इंसान इस संसार में जन्म लेता है तो उसके जीवन की कहानी में दो कैरेक्टर कॉमन होते हैं। एक है हीरो, वो मैं हूँ, और दूसरा है विलन, वो भी मैं ही हूँ। मैं अपने आप को हीरो फील करता हूँ, लेकिन पूरे गांव वाले मुझे विलन समझते हैं, और उसकी एक वजह है। सरपंच, पालमपुर का सरपंच, भाइयों और उनकी बहनों, मैं आग में तप कर, हालात से पीट कर, सभी का दिल जीत कर, लाखों खर्च करके इस पोजीशन में पहुंचा हूं। लेकिन ये कृष्णा सब सत्यानाश कर रहा है। दिल के मजदूर लोग जब तुमसे पैसे मांगते हैं तब तुम उन्हें मजदूरी नहीं देते हो। जब से तुमने इस घड़ी को हाथ लगाया है वक्त खराब हो गया। तुम्हारे जैसा इंसान यहाँ रहेगा तो यहाँ का वक्त कभी नहीं बदलने वाला। कितना चाहिए? 2000। 2000? ये काम तो 200 का भी नहीं है, फिर लूट क्यों रहा है? मेरे काम से आप लोग हैप्पी हो कि नहीं? कौन है हैप्पी? यहाँ पंचायत में फैसला हो रहा है, तेरी मनमानी नहीं चलेगी। एक सरपंच जी, तुम भी कुछ बोलो, सीनियर होने के नाते इसे कुछ समझाओ ना। तू लोगों की मजदूरी नहीं देता, लाखों रुपए चुराता है और तुम मुझे समझा रहा है? मैं खुद ये गांव छोड़ के जल्दी हैदराबाद जा रहा हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात कही है तुमने। जैसे बर्थडे, फादर्स डे, मदर्स डे मनाते हैं, आज की तारीख में हर साल नया इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। डेट लिख लो। ये बात याद रखो, करोड़ों रुपए कमा कर इस गांव में लौट आऊंगा और सबका गुरूर तोड़ कर रहूंगा। करोड़ों रुपए कमाना बोल बच्चन जितना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। मेहनत करने का डेफिनेशन बदल चुका है टुटपुंजिए। मेहनत करके दो पैसा पाने के लिए सर झुकाना मैंने नहीं सीखा, ये सर हमेशा ऊंचा रहता है। चल बे। आज तक मैं सिर्फ जीता रहा, अब मैं कुछ पाने के लिए जीऊंगा। कोई भी रास्ता क्यों ना चुनना, जीत ही मेरी मंजिल है, और जीतने के लिए मैं किसी भी चट्टान से टकराऊंगा। या तो करके दिखाऊंगा या मौत को गले लगा लूंगा। डू और डाई। प्यारी आंटी, डेली मैं आपके चरण छूता हूँ, जिंदगी भर छूता रहूंगा मैं, लेकिन आप मेरा उद्धार कब करेंगी? सोचा कि मेरे नसीब में खोट है, इसलिए मैंने मनी प्लांट लगाया, लेकिन वो भी सूख गया, वॉलेट भरने की जगह खाली हो गया, रात भर कुत्ते की सिक्योरिटी की ड्यूटी करके सेहत खराब हो गई है। आपकी कृपा बरसेगी तभी मेरी तशरीफ में दम आएगा। बकवास बंद कर, फूल चढ़ा गधे। हाँ ठीक है, गोल्ड बिस्किट की बारिश करो, पैसों का तूफान लाओ, चमत्कार का सुनामी करो। एक मिनट आंटी, सुनामी का मतलब है करिश्मा दिखाओ, बेड़ा पार करने वाला, पैसा पैसा। सुनिए। हाँ जी। उधर नहीं यार, लुक हियर। कौन है? मुझे पहचाना? तुझे कैसे भूलूं? ये क्या आंटी, इसे यहाँ क्यों भेज दिया? आप मेरी बात ठीक से सुनती नहीं है, मैंने क्या मांगा? पैसा मांगा। और आपने फुकट गांव लोगों को भेज दिया। चिल्ला क्यों रहा है? हाँ, और यहाँ क्यों आया है? नमस्ते। देखा, जाड़िये को देखा, अभी तक जरा भी नहीं बदला, तू क्यों आया यहाँ पर? गांव में बहुत मेहनत कर ली लेकिन मामला कुछ जमा नहीं। वहाँ तो सब लोग हैप्पी थे ना। रिलायंस, बिरला, टाटा, ये सभी मेहनत और कोशिश से ही आगे बढ़े हैं, उन्हीं की तरह मुझे भी तरक्की करनी है, और ऐशो आराम पाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। करोड़ों रुपए चाहिए? सुन बे, पार्ट टाइम फिल्म लाइन में काम करके रिक्शा चलाएगा ना, फिर भी बात नहीं बनेगी। फिल्म में काम मिलेगा नहीं, गांव का काम छोड़ के आ गया, अब जनाब को मोहब्बत और शोहरत दोनों चाहिए। हम जैसे को यहाँ कुछ नहीं मिलता, 1 करोड़ जमा करने के लिए हम जैसे को 2 जन्म लेने पड़ते हैं। मैं इस जन्म में ही करूंगा। आंटी का इंसल्ट मत कर। कौन है तेरी आंटी? नहीं मेरे भाई, ये धनलक्ष्मी आंटी, कहते हैं पैसों की ये बहुत क्लोज रहती है, माँ कहते हैं सभी, मेरे बहुत क्लोज नहीं है इसलिए मैं इसे आंटी कहता हूँ। तू फिर से आ गया, फेशियल करा के आया? कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरा तेरा पेपर, नाश्ता भी है। कपड़े फटे हुए क्यों? लोगों ने चोर समझ के मुझे बुरी तरीके से पीट दिया और कपड़े भी फाड़ दिए। और तेरी नाक को लाल किसने किया? बचपन से मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। मुझे अचानक बचपन के वो दिन याद आ गए, तो मैंने एक काम किया, पान की लाली लेकर अपने नाक में लगा ली। मुझे ऐसी नौटंकी करना बचपन से बहुत पसंद है। तू जब देखो फ्लैशबैक में चला जाता है। अबे शैतान कहीं के, तू जीती जागती आत्मा है। ज्यादा बोलेगा तो सबसे पहला हमला तो उस पे ही करूंगा। रास्ता मिल गया है।
आप लोग भी जरा ध्यान से सुनिए। गांव से आया लड़का एक दिन में करोड़पति बन गया, उसके लिए ऊंची सोच और दिमाग चाहिए। ए, पेपर में लिखा है। पेपर में लिखा है। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करें, 2 लाख इन्वेस्ट करके करोड़ों कमाए। इनके पास नोट छापने की मशीन है क्या? पेपर में लिखा है, वही मुझे सही रास्ता बताएगा। ए प्यारे, काम पे लगने का वक्त आ गया है। ओके। अपना बैग भी लेके जाना, इस शहर के बारे में तुझे पता नहीं है। स्वीट डिश बताकर लाठी से बात करते हैं, ले लो मजा। आंटी जरा मुझ पर नजर डालने की कृपा करें। हम लोग आ गए। अरे करोड़ों रुपया कमाना बहुत मुश्किल है यार। मैंने कहा था ना, सिटी स्वीट डिश लाठी, अब समझ में आ गया? कमाने से पहले नहीं समझ पाऊंगा। व्हाट? या रास्ता मिल गया। क्या धनलक्ष्मी आंटी ने तुम पर कृपा दिखा दी? हाँ। आंटी क्या है? ये क्या आंटी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? एक मिनट। हेलो, ये अंजी आज लेट क्यों हो गया? इस काम से अंजी को गंजी के वांदे हो गए हैं, लगता है कटोरा लेकर घूमना पड़ेगा। हा? अब तो हम ड्राइवर बनेंगे। 5 मिनट में अगर तुम काम पर नहीं आए तो तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। अब तुम्हारे जॉब की किसे जरूरत है? ए, अब मैं करोड़ रुपए कमाने वाला हूँ, फिर तेरे यहाँ गुलामी क्यों करूँ? अरे प्यारे, तेरा ये कनेक्शन ठीक से काम तो करेगा ना कि नहीं करेगा? कन्फर्म करेगा, मतलब तुम्हें विश्वास है? ए, फोन रख। सुन यार, अब तक आंटी ने कोई रास्ता नहीं दिखाया, अब तू ही कोई रास्ता दिखा दे। लिंग पद 10 लाख, आगे पढ़। रक्तपनु नागेश 5 लाख, आगे बढ़। कथ महेश 3 लाख, पढ़ता जा। 2, 8, अब बस कर, टोटल देख। 10 करोड़। yeah. ए, ला दे इधर। ये बताओ, ये सब तुम चंदे में वसूल करोगे क्या? ISD बैंक ने इन सबको लोन दिया है, लीगल इलीगल इन्वेस्टिगेशन किए भी नहीं, और अब कोई पैसा नहीं लौटा रहा है। ये सारी उन्हीं लोगों की लिस्ट है, बैंक ने मुझे ऑफर दिया है, इनसे पैसे वसूल करूंगा तो 1 करोड़ मुझे मिलेंगे। तो वसूली का काम करेगा क्या? बैंक वाले जिनसे वसूली नहीं कर पाए उनकी लिस्ट लेकर आ गया और तू वसूली करने जाएगा? खुद को तिस्मार्गा समझता है? बाहर में जाओ। ए तेरा फोन दे। तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी नौकरी को लात मार दी, पता नहीं बॉस क्या बोलेगा। काम पे जा रहा है तो और कहाँ जाऊ। नमस्ते सर, मैं अंजी बोल रहा हूँ। तेरे तो गंजी के वांदे हो गए थे ना, फिर तूने इस गरीब कंपनी में क्यों फोन किया? अंजी गंजी क्या बोल रहे हो सर? तूने ही कहा था, और इतनी जल्दी भूल गया? मुझसे भूल हो गई सर, फोन शायद गलत जगह चला गया था सर, मैं किसी और को फोन कर रहा था। मैं आपको ऐसे कभी नहीं कह सकता सर, मैं आ रहा हूँ सर। एक और पैक पिएगा? अब चुप कर। वो कौन सा दिन था जब मिले थे हम? उस दिन बरसात हो रही थी मेरे दोस्त। जब भी कुछ पूछता हूँ फ्लैशबैक में चले जाता है। कुछ देर पहले वसूली कर रहा था, करोड़ों कमा रहा था और ऐश कर रहा था। 2 लाख में करोड़ों कौन बनाएगा, और तुम जैसे पागलों को 2 लाख देगा कौन? ये पकड़। करोड़ों का मामला है यार, मैं क्या करूं? सर छी, तू है, चल। ए प्यारे, मालिश करो क्या? नहीं तो कोटेशन कौन देकर गया था? क्यों, सही नहीं था क्या? नहीं, बिल्कुल सही था, इसलिए साहब ने 1 लाख रुपया भेजा। भगवान तुम्हारा भला करे, लेकिन सिर्फ 1 ही लाख क्यों? हेलो, मुझसे बात करो। अगर बार्गेन करूंगा तो 4 लाख देंगे। कोई फायदा नहीं, मेरे धंधे में बार्गेनिंग नहीं होती है। तेरा आइडिया सुना, अच्छा लगा, लेकिन तू वसूली कर पाएगा? नाम सुनते ही हार्ट अटैक आ जाएगा। आप हैं कौन सर? मेरा नाम है अनाकोंडा। आ, ये भी कोई नाम है? लोगों ने मेरी शक्ल देखकर ये नाम दिया। ओ। ये घर मेरा है और मैं लोगों को फाइनेंस देता हूँ। ब्याज क्या लोगे? समय पे लौटाया तो 30%, लेट लौटाया तो 50%, और अगर नहीं दिया तो। आप बता रहे हो या हमें डरा रहे हो? देखो, मैं बहुत सही तरीके से धंधा करता हूँ, मुझे किसी को फंसाने का शौक नहीं है, इसलिए लोगों को पहले ही वार्निंग दे देता हूँ। करोड़ों रुपए कमा कर ये पैसे तुम्हें जरूर लौटाऊंगा। तू ओवर कॉन्फिडेंट दिखता है, इसीलिए एल्बम लाया हूँ। टेक अ लुक। ये स्टिचेस क्यों हैं? उसकी किडनी। पैसे नहीं दिए थे। कूलिंग ग्लासेस। उनकी आंखें। पैसे नहीं दिए थे। इसने भी नहीं दिया था। तू बहुत समझदार है। और ये वो समझ गया होगा भाई। सर, आपने MBBS की डिग्री हासिल की है क्या? जो नहीं लौटाता है उसका सामान निकालकर उसे विदेश भेज देता हूँ। इस काम के लिए कसाई को रखा है। तुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? नहीं नहीं, मैं क्यों घबराऊं? घबराएगा तो कुछ नहीं होने वाला। चलो मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। थैंक यू भाई साहब। ये मत सोचना इसमें सिर्फ रिस्क ही है, इसमें तरक्की भी है। भाई जरा रास्ता छोड़, मैं भी इन्हें पाप बन के दिखाऊंगा। पूरा यमदूत का एजेंट है यार ये तो। सुन सत्या, पेपर में करोड़ों रुपए कमाने की बात छपी है, एनाकोंडा ही एनाकोंडा को जन्म देता है। लगता है करोड़ों रुपए कमाने के लिए इस शहर में बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। चल करोड़ों की डील कर। चल। विल स्टार्ट फ्रॉम लिंगप्पा गौड़ा। एनीबॉडी इज देयर? तुझे किससे मिलना है रे? गुड मॉर्निंग माँ जी। या गुड मॉर्निंग, चल निकल जा यहाँ से। माँ जी का रूप माँ जैसा नहीं लगता, इन्हें बाद में सेट करता हूँ। ए बिल्डर, लिंगप्पा गौड़ा कौन है यहाँ? वो वहाँ पर है। क्या चाहिए तुझे? पैसा। चल अपना रास्ता ना। मुझे यहाँ ISD बैंक वाले ने भेजा है और खाली हाथ नहीं जाऊंगा।
बात तेरी की, यहाँ से एक फूटी कौड़ी भी बाहर ले जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। अच्छा, कुछ ही देर में आप खुद ही मुझे पैसा दोगी। समझदार पैसा लौटाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, बैंक जो लोन देती है उसे इंटरेस्ट के साथ चुकाना समझदारी है। करेक्ट सर, चेक देंगे या कैश? चल दे डाले से। सॉलिड दिया यार, मैंने ऐसा क्या बोला? अरे मार क्यों रहे हो यार? इसकी बातों पर तुम लोग अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे मैं यहाँ, अरे मैं पैसा लेने आया हूँ, मार खाने नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रस्सी को बांध रहे हो? अरे अरे अरे, अरे पैसा लेने आया तो ऐसा क्यों उठा रहे हो? अरे सुनो, मुझे अपना घर बसाना है, अरे करोड़ों रुपए कमाने हैं मुझे। अरे क्या कर रहे हो? अरे हफ्ता वसूल करने नहीं आया मैं। अरे माजी, अरे इस पर नीचे उतारने के लिए कहो ना, मेरी दुनिया उल्टी हो गई है। मुझ पर रहम करो यार, सारी दुनिया उल्टी नजर आ रही है मुझे। तू मुझसे पैसा वसूल करेगा तेरी तो? चलो अपना अपना काम करो। सर, आप लोग मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? सर पेमेंट अदा करने की स्कीम देता हूँ ना सर, प्लीज सर। सर आप यहाँ अकेले नहीं लटके, मैं भी यहाँ लटका हूँ। आप कहो ना भाई। फोन का बिल लेने आया था, 4 डेज हो गया है। कितना? 51,000। और तुम? 10 लाख रुपए। बाप रे, अब तुम्हारी पूरी लाइफ यही कटेगी, बच कर नहीं निकल सकते। ए, मेरा खाना जल्दी ला। हिंदी फिल्मों में जैसे ललिता पवार थी, उससे भी 2 कदम आगे है। कमरे में लेटने की उम्र हो गई है इसकी, लेकिन जरा तेवर तो देखो। चिकन बिरयानी लाने को बोला था, चिकन गायब है। जा, चिकन डाल के ला। खाने के लिए दांत नहीं है मुँह में, लेकिन चाहिए चिकन बिरयानी। नकचड़ी बुढ़िया कहीं की। सर आप जो देंगे मैं लेकर चला जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके दीजिए प्लीज सर, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। शैतानों का दिल नहीं पिघलेगा, चिल्लाना बेस्ट है। इससे अच्छा है तुम अपना मुँह बंद ही रखो। अरे कोशिश जारी रखूंगा, तभी तो कोई हल निकलेगा ना दोस्त। तुम्हें क्या लगता है मैं 4 दिनों से कोशिश नहीं कर रहा हूँ? रस्सी खुल गई। रुक जाओ यार, रुक जाओ यार। तुम यहाँ से चले गए तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। अरे तो तुम भी मेरे साथ चलो ना। ये मुमकिन नहीं है यार, अगर मेरी रस्सी खुल भी गई तो भी मैं कूद फान के भाग नहीं पाऊंगा। फिल्म के हीरो तुम जैसे तुम कहो दोस्त। संभल के जाना दोस्त, सारे यमदूत हथियार लेकर खड़े हैं। मैं संभालूंगा दोस्त। मर गए, जल्दी भागो भाई, माजी जाग गई। छोरा भाग रहा है, तुम लोग कहाँ हो? टुकड़े टुकड़े कर दो उसके। तूने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, मैं अपनी औकात में आ गया ना तो सबको भारी पड़ूंगा। प्रिपेयर हो जा, वापस आकर पाई पाई वसूल करूंगा। हमारा पैसा लौटाने का जो वक्त था वो खत्म हो गया। सोच रहा हूँ उसकी किडनी निकालूं या आंखें निकालूं। बिल्कुल। नमस्ते सर। नमस्ते, गया तेल लेने? इधर आ। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें गिरवी रखकर 1 लाख रुपए लिया था। तेरी आंखें बहुत प्यारी हैं। फोटो निकालकर व्हाट्सएप पर भेज दे, जरूरतमंद खरीद लेंगे। मेरी आंखें क्यों बेचोगे? तो किडनी निकालकर भेज देते हैं। लेकिन क्यों? उसे मैंने पहले ही बताया था, अगर नहीं देने की बारी आ गई तो आंखें या किडनी में से एक चीज देनी ही पड़ेगी। कृष्णा जरा धीरे से यार,
अबे बेशरम, तू पैसों के लिए मुझे गिरवी रखता है? तूने क्या मेरी किडनी को इडली समझ के रखा है जो दुनिया में बांटता फिरता है? अरे क्या हुआ यार? अरे होना क्या है, तेरे जैसे दोस्त रहे तो कुछ भी नहीं बचेगा। इस शहर में बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं। झगड़ा खत्म हो गया तो फिर कसाई के पास चले? तूने इनसे पैसा लेकर मुझे बकरा बनाया, बैंक इनसे पैसा लेकर तुझे बकरा बनाएगा। तुझे ये बात समझ में नहीं आती क्या? कैसे कैसे नाम थे, दगड़ू, बली, शेरा, सारे के सारे नामी गुंडे हैं। तुझे कच्चा चबा जाएंगे। डेथ बॉडी को गांव ले जाने का इंतजाम कर ले। तुम जरा रुको, मैं समझा रहा हूँ ना बेवकूफ। यहाँ करोड़पति वही बनता है जिसके किस्मत में लिखा होता है। हम जैसे लोगों के हालात नहीं बदलते। मैं हीरो बनना चाहता था, वॉचमैन बनकर रह गया। जब तक तू अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा तू कुछ नहीं बन पाएगा। कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज, क्या जिंदगी है तुम लोगों की? एक किराए की वर्दी, दो सूखी रोटी और कम पगार वाली जॉब। थू, इंसान को ऊंचाई पर पहुंचने के लिए चट्टान से टकराना पड़ता है। सीधे के साथ सीधा और टेढ़े के साथ टेढ़ा। आखिरी दम तक कोशिश जारी रखूंगा, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए मैं सामना करूंगा। मैं करोड़पति बनूंगा, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पहले किसे वसूली करनी है? मैं लौट आया तो समझो तुम्हारा काम हो गया, और अगर नहीं लौटा तो गांव वालों से कह देना सड़क के हादसे में मारा गया। सेलेक्ट करो। गणेश यादव उर्फ कैनी भाई। लेके क्यों चिल्ला रहा है? मैं बाद में बताता हूँ, पहले पैसे निकाल। मैंने तुझसे कब पैसे लिए? जो लोन तूने लिया है वो क्या तेरी गर्लफ्रेंड चुकाएगी? निकाल। अरे जिसने लिया उससे वसूलना। अरे तो तूने लिया है तो तुझसे ही वसूलूंगा ना। पैसे निकाल, निकाल। मेरा हाथ। किसी को अपने आदमियों पर हाथ उठाते फर्स्ट टाइम देख रहा। अरे मैंने नहीं, मेरे बाप ने लिया था भाई। शतरंज की चाल चलेगा तो चेक एंड मेट कर दो। तू पैसा देगा या नहीं भाई? मुझे उधारी दे दो वरना मैं मर जाऊंगा भाई। पूरे पैसे दे दो। ये लो भाई, इनके दे। इसका शो ही खत्म कर देता हूँ। रुक जा। वो क्यों? इस बिजनेस की मेरी ये पहली कमाई है तो मैं किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता। चल गेम। थोड़ी हेल्प करो ना भाई। पागल कुत्ते को गोली मारा जाता है और शिकारी कुत्ते के लिए जाल बिछाई जाती है। करेक्ट है क्या? जॉब डन। स्वामी आपकी दया से बोनी हो गई। हमेशा इसी तरह से मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए। क्या ख्याल है? मुझे दोबारा शिकायत का प्लीज मौका मत दीजिए। थैंक्स स्वामी। अगर जॉब चाहिए तो इस एड्रेस पे आ जाना। ओम नमः शिवाय। पर मैं आपका जॉब क्यों करूं सर? जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लगता है भाई ने गलत रास्ता चुन लिया है। देख भाई, तू किसी गलत रास्ते पे मत जाना, तू मेरा दोस्त है यार। मेरा कितना लाख? पहले काम तो पूरा करो। काम हो गया तभी तो बोल रहा हूँ। पैसे कहाँ से? आंटी, आज से आप मेरी माँ बन गई। हमारा रिश्ता क्लोज हो गया माँ। बेटे का प्रणाम कबूल करो। ये तो सिर्फ 5 लाख। अरे आंटी ने भिजवाया ना, करोड़ तक पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा। तेरा कॉन्फिडेंस देख के मैं उसी वक्त समझ गया था तो काम कर लेगा। ये करने वाला है या आप करने वाले? मैं सोच रहा था तू जिंदा वापस नहीं आएगा, लेकिन तूने वापस आके ये साबित कर दिया कि तू तो कुछ भी कर सकता है। ये तो बता, तूने वसूली की कैसे? इस छोटे से खिलौने से वो लोग डर गए और खुद को भाई कहते हैं। एक और खुशखबरी है, उनके बॉस ने मुझे जॉब ऑफर किया है। श्री साइलम। श्री साइलम के लोगों से तूने वसूली कैसे की यार? अपने हिसाब से। अपने हिसाब से नहीं, कोई शहर का बाप है श्री साइलम। इस शहर में कोई भी काम करने के लिए उससे परमिशन लेनी पड़ती है यार। जानते हो, लैंड माफिया के लोगों को मार कर वो उनकी जगह हथिया लेता है और कोई सबूत नहीं छोड़ता है। हर प्रॉपर्टी पे उसका नाम और हिस्सा होता है, वो भी पूरे लीगल तरीके से। शोहरत के मामले में वो बिलगेट का भी बाप है। इस शहर की पुलिस भी उसके साथ है। पुलिस इसके लिए खबरी का काम करती है और ये दुश्मनों का गेम बजाता है। सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश राव उसका बैकबोन है। सारा ब्लैक मनी इसी के जरिए मार्केट में घूमता है, फिर व्हाइट होकर जगदीश के अकाउंट में जमा हो जाता है। जगदीश राव का ये राइट हैंड है, इस सिटी का भाई। उसके पीछे चलती है उसके खुद की फौज। He is a killing machine.
तो गलती से भी इस एड्रेस पर पहुंच गया तो मौत पक्की। एक ना एक दिन तो ये मौत आनी है। उसकी बायोग्राफी चेक करने के बाद ही उसके ग्रुप में शामिल हो रहा हूँ। एक बार उसके ग्रुप में चला गया तो सभी लोग मुझसे डरेंगे। अब सबसे वसूल करूंगा करोड़ों रुपए। करोड़ों कमाने का ये कैसा जुनून है जो ये मौत से भी नहीं डर रहा? पता नहीं, जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। अब बस खेल देखो। तुम तो क्या? तुम्हें एहसास कराने के लिए बोला। बहुतों ने तारीफ की है। और लोग क्या देखकर तारीफ करते हैं पता नहीं, पर मुझे तुम्हारी आंखें पसंद आई। फ्लर्ट करने का पुराना स्टाइल है। कोई बॉयफ्रेंड है क्या? हो या ना हो तुम्हें इससे क्या है? तो उससे बेटर किसी और को चुन सकती हो, क्योंकि वो मुझसे बेटर तो नहीं हो सकता। तुम काम क्या करते हो? अभी तो शुरुआत है, मंजिल बहुत दूर है। दिखने में वैसे कुछ खास नहीं हो, पर बातें इंटरेस्टिंग करते हो। अपना नंबर दे दो, सोचूंगी। दिखने में अच्छी है, समझ गलत है। बातों में शक लग रहा है, नजरें कुछ और कह रही हैं। सब मिलाकर कंट्रास्ट क्वालिटी है, नहीं जमेगी। सॉरी, बॉयफ्रेंड के साथ ही रहो। ए, वन मिनट। देखो, मुझे फॉलो मत करना और टॉर्चर करने की भी मत सोचना। हाँ? क्योंकि मैं एक परिंदा हूँ। गो। मुझे वो लड़की चाहिए जिसके बारे में बताया था, यही है वो। ओवर स्मार्ट। अरे यार, कितना हैंडसम है ये। शायद तुझे ही कोई गलतफहमी हुई है। क्या जिस्म की नुमाइश हो रही है। दोबारा तुझसे बात करने आ रहा है। बेटर आई सीट इन द कार। श्योर, कम पास। अभी अंदर सिगरेट हाथ में लेकर तुम्हें मिली थी ना? हाँ, तुमने ही जलाई थी तो क्या? अंदर धुआं इतना था कि मैं ठीक से देख ही नहीं पाया। स्मोकिंग जोन में लाइट थोड़ी बढ़ाओ यार, अभी अच्छा खासा मौका छूट जाता ना मेरे हाथ से। अरे बाप रे, इस खूबसूरत नगीने को ऊपर वाले ने कहाँ छुपा के रखा था? क्या बताऊँ जाने मन, बहुत गजब हो। अरे बाप रे, तुम मेरा नंबर मांग रही थी ना? अब कनेक्शन नहीं हो सकता, यू आर टू लेट। एक बार दिल से लगा लो, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाऊंगा। कनेक्ट हुआ? लीव मी, इडियट। अरे चली जाओगी तो पीछा छोड़ दूंगा क्या डार्लिंग? अपनी जान तो मुझसे छुड़ा कर चली गई, लेकिन अपना दिल मेरे पास छोड़ गई। ये फोन मिल गया। मजा आ गया यार। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा देवी। ये फोन है बे। फोन में टेंपल का फोटो, इतना प्यारा फोन किसका है? होने वाली भाभी का। लड़की पसंद आए तो उसका नंबर लेते हैं, फोन नहीं उठा लेते यार। टॉइंग टॉइंग, बाप रे, लगता है डॉक्टर से पाला पड़ गया। मैसेज तो पढ़ते हैं, हाय हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी। सब लड़कों ने फ्लर्ट किया है, लेकिन इसने किसी को रिप्लाई नहीं किया। मतलब कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वाओ, एनाकोंडा। मैं कुछ बोल नहीं सकता क्या? बोल, लेकिन भाभी की नजर से बोलना। बेवकूफों को कुछ भी समझाना मुश्किल है। ये बड़ा समझदार। मेरी डार्लिंग का मैं ही फर्स्ट लवर हूँ। बार का कलेक्शन आया क्या? आने वाला भाई, कोई नाटक करे तो बताना। रेट चेंज हुआ याद रखना। ठीक है भाई। भाई स्वीट खाओ ना। इस तरह से जॉब पाने वाला पहली बार देखा है।
थैंक्स भाई। उस दिन खून निकाल रहा था, आज मिठाई खिला रहा है। ठीक है ठीक है भाई, तेरा पैसा तो दे चुका हूँ, अब क्यों आया है? स्वीट भाई, आपकी वजह से मुझे जॉब मिल गई। मेरी वजह से? मेरी लाइफ मस्त गुजर रही है। जैसी आपकी ईद है वैसी मेरी दिवाली है, ओके ना? कॉम्प्रोमाइज कर, पैसा तो दे चुका हूँ, अब कॉम्प्रोमाइज करने का क्या फायदा है? ओके जा, बड़े भाई को खिला। जा भाई, स्वीट लीजिए ना। स्वीट को वेस्ट करने से टेस्ट नहीं पता चलता, खाना पड़ता है। मैं भी ऐसा ही हूँ, अगर फ्रेंडशिप करने की ठान ली तो पीछे नहीं हटता। क्या बात है कृष्णा, जॉब चाहिए तो ज्वाइन कर लो। स्वीट लीजिए भाई। हाँ आप शहर के किंग हैं, इसलिए आपको सब भाई कहते हैं। मैं आपको पहचान नहीं पाया इसलिए टच किया, सॉरी। अपने बारे में बताओ। मैं तो परिंदा हूँ भाई, अब तक था, आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। सुन सिनू। हाँ भाई। राम नारायण को जरा जल्दी बुलाना। ओके भाई, चलो चलते हैं। कहाँ भाई? कैसी हो जान? ए मोटे, दो घंटे पहले बात हुई थी तब जैसी थी अब भी वैसी हूँ। मुझे लगा था तू एक बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कहा था। लेकिन तेरे कनेक्शन श्री सेलम जैसे गुंडे से है। अरे डार्लिंग, वो मेरा चड्डी दोस्त है, मेरा नाम लेते ही उसकी गिग्गी बन जाती है। तुम्हारा भी उससे इंट्रोडक्शन करवा ही देता हूँ। रघु। अरे श्री सलम भाई, आइए। कम, क्या बात है, दिन प्रतिदिन धुंध बढ़ती जा रही है। अच्छा ये बताओ, मेरा ऑफिस कैसा लगा? तुम्हारा ऑफिस तो एकदम मस्त है, तुम कैसे हो? अरे यार दिख नहीं रहा है क्या, बॉडी एकदम गुरिल्ला जैसी हो गई है। खाते पीते खानदान का हूँ यार, तुम्हारे लिए शराब शबाब साथ में कबाब मस्त बिरयानी सब कुछ तैयार किया है। अपनी दावत तो ऐसी है कि दुनिया देखकर परेशान हो जाए। अपने दोस्तों का ऐसा वेलकम करना हो क्या? बड़े भाई कौन है ये नया छोकरा? नया लड़का है। बड़े भाई सेल्फी। गुल्फी, वो क्या होता है? सेल्फी है बड़े भाई, गाना नहीं सुना है क्या? यहाँ से सीधा बटन दबाने में फोटो फेसबुक पे अपलोड हो जाता है, फ्रेंड्स लोग लाइक करते हैं तो बड़ा मजा आता है। सच कह रहा है? हाँ बड़े भाई। रघु। हाँ भाई। मेरे कुछ दोस्त यहाँ आने वाले हैं, एक छोटी सी मीटिंग है। बड़े भाई ये ऑफिस तुम्हारा ही है, जितना वक्त चाहिए ले लो, जो करना है करो, अब ठीक है? अच्छा बड़े भाई, तुम्हारे सेलिब्रिटी फ्रेंड आ गए, उनसे मेरा इंट्रोडक्शन करवा दो, सेल्फी ले लूंगा। मेरे काम होने तक इंतजार करो, फिर इन्हें तुम्हें ही सौंप कर जाऊंगा मैं। क्या बात है राम नारायण, तुम लोग जाओ, मुझे इससे बात करनी है। कल तक तुम मेरे साथ काम करता था, आज तो पैसों के लिए पुलिस का इन्फॉर्मर बन गया। पैसा फेंका तो कानून ने भी अपना मुंह खोल दिया। बाथरूम का है वहाँ उस कोने में, बाथरूम ले जा रहे हैं भाई, कोई और शौक तो नहीं पालते? बोलो बाथरूम में क्यों गए? अरे यार तू इशारे नहीं समझता क्या? एक उंगली दिखाना मतलब सीधा काम है, दो उंगली दिखाए मतलब दो नंबर ही काम है। आ जा। माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई भाई। अरे रे रे रे, भूल गया, मैंने इंट्रोडक्शन तो करवाई नहीं। रघु भाई, राम नारायण। राम नारायण, रघु भाई। अब इसके क्या फायदा? फ्रेंडशिप करनी थी ना, सेल्फी लेकर फेसबुक पर डाल दो। लाश के साथ सेल्फी लूंगा क्या? जिंदा वही रहता है जो हमारे साथ वफादार है। जिसने भी इस लकीर को लांघने की कोशिश की, उसी वक्त उसकी लाइफलाइन कट। अरे मेरे भाई, ये डिलीट सॉफ्टवेयर कंपनी मैंने लोगों को डिलीट करने के लिए नहीं खोला है। तुझे क्या हुआ? खाना खा ले। पहली बार देखा ना भाई, इसलिए घबरा गया होगा। इसको हॉस्पिटल ले जा भाई। ऐसा क्या देख लिया जो हॉस्पिटल पहुंच गया? मैंने मर्डर होते हुए देखा है ना कुंडा। श्री साइलम के यहाँ मर्डर ही देखने को मिलेगा, ना कि कोई आइटम नंबर। हेलो डॉक्टर। ये क्या है यार, आइटम का नाम लेते ही तेरी आइटम सामने आ गई। ये अब तक कहाँ थी? प्रॉब्लम क्या है? सपनों में दिल से दिल का कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, लाइव देखा तो वाह 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 वाह, तीर दिल के आर पार हो गया। हेल्थ प्रॉब्लम क्या है? खून होते हुए देखा है। किसने मर्डर किया? श्री साइलम जी ने मर्डर किया है। श्री साइलम भाई। फ्लोट करने यहाँ आए हो? तुम पड़ जाओगी यकीन हो जाए तो कुछ भी करूँगा। नाम देख रहा हूँ। पार्वती, और कुछ पूछना है? पारो माय गुड डे, तुम केरला से यहाँ क्यों आई हो, किसी ने भगा दिया क्या? ये जानते हो क्या है, लिमिट से ज्यादा दिया तो जान चली जाएगी, बेहतर है तुम अपनी लिमिट पार मत करो।
तुमने मेरा फोन चुराया, फिर भी मैंने पुलिस को नहीं बताया। एंग्री बर्ड लगती है। प्रिया फोन देना जरा, एक बार मेरा फोन मुझे मिल जाए फिर इसे दिखाती हूँ। तुझे एक पुरानी बात बताऊँ, जब मैं छोटा था तो इसी हॉस्पिटल में। बात करना, कहाँ जा रहा है, सीधा चल। कब से कोई फोन लगा रहा है, अब तक इसमें 25 से 30 कॉल आ चुके हैं और ये मिला कर 31 बार। ओ भाभी जी, मैं कब से आप ही को ढूंढ रहा था, ये रिंगटोन चेंज कीजिए, बहुत इरिटेटिंग है। ए, ये फोन तुम्हें कहाँ से मिला? आपको नहीं पता, एक्चुअली हुआ ये कि यार फोन चोरी किया तूने और बचने के लिए मुझे यार बना रहा है। चोर कह रहे तू मुझे सर? अबे सुनो, आजकल फोन चोरों की तादाद बढ़ गई है, बच के रहना। सुनो सिस्टर, मोबाइल के बदले इनकी किडनी आंखें ले लो, फायदे में रहोगी। रेट बताओ जरा। 3 लाख रुपए मिलेंगे। ये इंजेक्शन घुसेड़ दिया तो ये अपने आप मर जाएगा डॉक्टर। ये धरती पे बोझ है, जिंदा रह के किसी के काम नहीं आने वाला है और ना ही किसी का भला करने वाला है। इसकी शक्ल भी देखिए, बिल्कुल लफंगे जैसी। ए, मैं कोई लफंगा नहीं हूँ, एक्चुअली ये फोन इसे दे दे, ऐसे वैसे बहाने बनाकर भागने की कोशिश मत करना। बता क्या प्लान है तेरा, तू भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। वो शायद भागने की ही सोच रहा है। मैं समझ गया, तो ये ले। वैसे मोटी माता, मुझ पर चोर का लेबल लग चुका है, तो मैं चोरी करूं क्या? तुम्हें जो करना है करो। करेक्ट आंसर। चोरी की यार मैंने। ए, तूने मुझे चोर क्यों बनाया, वरना मेरी गर्लफ्रेंड कैसे मिलती है? तो मेरी वाट लगाएगा, मुझ पर चोर का लेबल लगने के बाद मैंने एक मोटी माता का हैंडबैग चोरी किया, वो मेरे बॉस की वाइफ निकली, मुझे पहचान लिया और मुझे नौकरी से निकाल दिया। डंडा ठोकना कोई बड़ा काम है क्या? क्या है बोलना? नहीं कुछ नहीं। मैं ऐड देख के कोई अच्छी नौकरी ढूंढ, चल जा। नहीं जाऊंगा। कहां ना जा, कहां नहीं जाऊंगा। फोन ला यार। मत यार, ये लो। थैंक्स यार सत्या। ओके ओके, मिल गई मेरी स्वीट हार्ट। बाय। यार ये फोन तूने कब उड़ाया? बचपन की बात है, जब मैं चड्डी में फ्लैशबैक में जाएगा। फ्लैशबैक में जाएगा तू? ओ मेरी। यहां क्या कर रहे हो? पारो चाहिए। पारो के ब्रदर हो? तेरी बॉयफ्रेंड हो। बॉयफ्रेंड हो? पारो का बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड? मेरा बॉयफ्रेंड? क्या यार तू भी, कल तक तो कह रही थी कि मैं किसी से प्यार नहीं करूंगी। प्यार करते नहीं हो जाता है। कुछ भी क्या यार, शट अप। वो यहाँ तक आ गया तो मेरे बॉयफ्रेंड कब से हो गए? मैं एक बॉय हूँ, तुम मेरी फ्रेंड हो, इसलिए बॉयफ्रेंड बोला। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें जो चाहिए था वो देने के लिए। तुम्हें कहाँ से मिला? वो चोर चाय पानी के पैसों के लिए चोर बाजार में ये फोन बेच रहा था, उससे छीन कर दुकान के नीचे बजा के ये फोन ले आया। थैंक्स। थैंक्स की जरूरत नहीं है। लगता नहीं तुम सिर्फ इस काम से आए। मोबाइल देने के बहाने तुम्हें देख भी लूं इसलिए यहाँ आया। डिनर पे चले, हंसी मतलब हंसी। चाइनीज और यहाँ? तो फिर तुम्हें चाइना ले जाता क्या? सच में तुम्हें गुंडे हो क्या? वो मेरा प्रोफेशन नहीं है जानेमन, मेरी जरूरत है। करोड़ों रुपए कमाकर अपना बिजनेस डालने के लिए फिलहाल मैं ये काम कर रहा हूँ। हाँ, प्यार से मांगो तो गुंडे बहुत मारते हैं, इसलिए ये सब करना पड़ता है। अब ये बताओ, ये ब्रांडेड फोन है लेकिन तुम्हारे किसी काम का नहीं। अरे कम से कम सुबह सुबह उठ के गुड मॉर्निंग का मैसेज चाहिए, वो नहीं तो कम से कम रात को गुड नाइट का मैसेज तो। अपनी जवानी को तुम बेकार में इस तरह वेस्ट क्यों कर रही हो? तुमने मेरा फोन चेक किया? तुम दिखने में तो डिसेंट लगते हो पर अंदर से बदमाश हो। क्यों तुम नहीं हो क्या? हार्ड ड्रिंक पीकर डॉक्टर का जॉब करती हो, वैसे कौन सी वाली पसंद है? सच कहूँ तो मुझे पीना बिल्कुल नहीं पसंद, मेरी पोस्ट के हिसाब से मुझे पेमेंट नहीं मिलता है। मेरे पापा के हाथ में सिर्फ महीने के एंड में 20,000 ही रख पाती हूँ। उनका हाथ बटाने के लिए नर्स का जॉब भी कर रही हूँ। मुझे यहाँ का रहन सहन कुछ भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने दुबई जाकर सेटल होने का फैसला किया है। मनपसंद जॉब, 2 लाख सैलरी और लग्जरी लाइफ, यही चाहती हूँ। तुम्हें मैं एक और बात बताऊँ, मैं दुबई जाने तक किसी से प्यार नहीं करूंगी, वहाँ जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से शादी करके सेटल हो जाऊंगी। ये बताओ करोड़ रुपया कमाकर तुम क्या करोगे? मैं कमाने के बाद मैं करोड़पति हूँ ये नोटों का बंडल सामने रख कर यहीं पर किसी सीधी साधी लड़की का हाथ पकड़ कर उसके साथ घर बसाकर आराम से लग्जरियस लाइफ जीऊंगी। लगता है तुम्हारी लव लाइफ पूरी तरह डामाडोल है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। अगर मुझे कोई फिक्र होती तो ये सारे बर्तन उल्टा पुल्टा करके हाय मर गया कहकर नाचता रहता। एक बात गांठ बांध लो, दोस्ती हो या यारी हो हर बात की हद होनी चाहिए, हर रिलेशन की अपनी एक लिमिटेशन होती है। अच्छा, रिलेशन है, लिमिटेशन है, हर बात के पीछे ओवर रिएक्शन। लगता है मेरा इमोशन इसे समझ में नहीं आया। सच में तुम एक गुंडे हो। सुनो मैडम, हर एक्शन के पीछे एक रिएक्शन जरूर होता है। तुम बहुत लकी हो, बिन मांगे तुम्हें 3 बार किस मिल गई। वैसे आज का दिन याद रखना, अभी जा रही हो लेकिन एक दिन वापस लौट कर जरूर आओगी। हेलो गनी भाई, गुड मॉर्निंग। तू कहाँ गायब था रे कृष्णा, इसे सब लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसे फर्स्ट टाइम देख रहा था, तभी समझ गया था बहुत चालू चीज है। सुन सीनू। जी भाई। कृष्णा का पता चला? भाई मैं आ गया भाई। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सीनू। जी भाई। रसूल मैकेनिक के वर्कशॉप पे जाओ,
सिर्फ धमकी देनी है। माल देता है तो कैश लेकर आना और कुछ नहीं। जाओ। ठीक है भाई। ये जरूर मालिक ने क्या बोला? तुम्हें एक काम दिया है, मुझे एक काम दिया है। तुम्हारा काम पूरा होने के बाद मेरा काम करने के लिए बोला। सच कह रहा है? चलो भाई से पूछ लेते हैं। भरोसा है? तू थोड़े झूठ बोलेगा। चल आओ। डकन पीछे बैठ जा। मैं भी चलूं क्या? बैठ। चल तेरे साथ ही बैठता हूँ, चल आ जा। शाना मत बन, जल्दी बता माल कहाँ है? नहीं मालूम। हम लोग श्री सैलम के आदमी है। दो दिनों से सूरत नहीं देखी तुम्हारी, पता है मेरे दिल पे क्या गुजर रही है? फोन इसलिए उठाया ताकि तुम्हें फिर से समझा सकूं। मैं दुबई जाने तक किसी से प्यार नहीं करूंगी, बताया था ना तुम्हें। मेरी बात सुनते तुम अपना प्लान बदल दोगी? मेरा प्लान बदलने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मैं प्यार करूंगी ही नहीं। ये कोई जगह गर्लफ्रेंड से बात करने की? जाने मत, दो मिनट जरा होल्ड करना। ओके, इज्जत से बता दे माल कहाँ है, मैं तुझे 5 मिनट देता हूँ, उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो गए। कितनी बार कहा, हमें कुछ नहीं मालूम है। वहाँ है, वहाँ रखा है माल। भाई, माल मिल गया है। बोलो जाने में। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो? एक पेशेंट को मैं स्टिचेस लगा रही हूं। एक और भेज रहा हूं तुम्हारे पास। मस्त बिजनेस है, मैं ठोकता रहूंगा, तुम टाके लगाती रहोगी। क्या कहती हो? जल्दी बोलो, इस काम में मेरा कमीशन कितना रहेगा? चलो भाई से बोल दे, अफजल का मैटर सॉल्व हो गया। ठीक है, बताओ कहां मिलते हैं? अच्छा, वही हमेशा के स्पॉट पर। भाई अपने साथ मुझे हमेशा आगे बिठाते हैं। अपना अगला शिकार करीम भाई। तुम मेरा एक काम करोगे? क्या काम है बोलो? पासपोर्ट प्रॉब्लम है, केरला के एड्रेस पर यहाँ का पासपोर्ट नहीं बनेगा, तुम जरा अपना इन्फ्लुएंस लगाओ ना। तुमने हुक्म किया, काम हो जाएगा। अरे रुक 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 रुक, भाई ने यही घर बोला था, पीछे ले रहे। ले 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 ले, फिर से होल्ड करना, 5 मिनट में आता हूँ। बाबू रावड़ी कौन है बे? आजा। बहनों और मामूओं, पैसा वसूल करने वाले कृष्णा का तुम्हें फिर से नमस्कार। आखिरी मौका देता हूँ, पैसा चुका दीजिए। किसमें इतनी हिम्मत है यहाँ से पैसा? एक बार ये यहाँ से बचकर निकल गया था, लेकिन इस बार नहीं जा पाएगा। चारों तरफ से घेर लो। Roses, सबके कार्टून नोज़ेस ऑल फेल डाउन। पहले कौन धूल चाटेगा बे? अरे तुम तो हमारे घर के मेहमान हो, चिकन बिरयानी खाओगे बेटा? वाह 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 वाह, बहुत बड़ी खिलाड़ी, तुम्हें तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। ए, चाकू बुढ़िया के गर्दन पे और तू चिल्ला रहा है, पैसा निकाल। अरे जल्दी दे ना। भाई 500 रुपए कम है, छोड़ कोई बात नहीं। ऑल्ट मार दिया, अबे रुक क्यों गए? इसमें 500 कम है, अब जो है ले जा। कैसे ले जाऊंगा, 500 का वैल्यू क्या जानता है ना तू? मैं जानता हूँ भाई। अरे दोस्त, तू अभी तक यहीं पर है? हनीमून मनाने थोड़ी आया था, जो अपनी मर्जी से निकल जाऊंगा। मेरे भाई, आपने 10 लाख वसूल लिए और मैं बिना कुछ लिए अभी तक यहाँ फंसा हूँ, मेरा तो बैड लक ही खराब है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई बेटा? अपनी बकवास बंद कर, तेरी जैसी औरत की वजह से मेरे दिल में सीनियर सिटीजन की इज्जत खत्म हो गई। बेटा कह रही है बुढ़िया। जो 500 कम पड़ रहे हैं ना बेटा, वो मैं देती हूँ। ये हो गया 500। दोस्त भाई, भाई काम बन गया, थैंक यू। सबसे बराबर है, मर गए, आप फिर फंस गए भाई।
अबे गधे, तुझे शायद पता नहीं है कि आजकल मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ और कौन है मेरा बॉस। श्री सैलम। ये कृष्णा उनका राइट हैंड है। अब तक जो कुछ भी हुआ, अगर वो तुम्हें कम लग रहा है तो बाहर मेरी गैंग खड़ी है। ए लिंगप्पा गौड़ा, छोटे से भीड़ या बड़े से भीड़, लेकिन मुझ जैसे छिछोरे से कभी मत भीड़। हर किसी को मैं एक ही बार समझाता हूँ, तुम्हारा मौका नहीं देता। ए दोस्त, लेट्स गो। या भाई, मुझे तुम पर बहुत फक्र है भाई। यही तो मर्दानगी है। थैंक यू भाई, अब मैं चलता हूँ। कोई बात नहीं दोस्त। अरे कितनी देर लगा दी भाई, खड़े खड़े पैर दर्द कर रहे हैं। समझता हूँ भाई, तुम लोगों को पार्टी करने के लिए पार्टी ने पैसा दिया। भाई ने तुझे काम दिया, पोजीशन दी, तो तू क्या हवा में उड़ेगा? ज्यादा होशियारी करेगा तो किसी दिन पासा पलट भी सकता है। समझ गया। मुझे मारेगा तू, मुझे मारेगा। तो क्या तेरे बाप को भी मारूंगा। किडनैपिंग, रंगदारी से पूरे शहर को दहशत में रखने वाले एक खतरनाक माफिया कैजर को मारकर इंस्पेक्टर डिसिल्वा ने ये दिखा दिया कि पुलिस पार्क क्या है। पुलिस डिपार्टमेंट पॉलिटिकल लोगों के हाथों की कठपुतली है। सिक्योरिटी के नाम पर रिकवरी का एक नया धंधा शुरू हो चुका है। सर, यहाँ पर मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, ये तो तुम जानते ही हो। उससे 30 करोड़ वसूलने से पहले ही तुमने उसका एनकाउंटर कर दिया, क्यों? उसकी दहशत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी सर, मैंने तो बस एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज निभाया है। बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट कौन? श्री सैलम? वो नहीं मिलेगा सर, और ये बात आपको भी पता है, वो अपने काम का कोई सबूत नहीं छोड़ता। मनी ट्रांजैक्शन भी वो बहुत सीक्रेट तरीके से करता है। मुझे जहां तक पता है उसके पीछे जगदीश राव जैसे बड़ी हस्ती का हाथ है। कमिश्नर से बड़ी किसकी पोस्ट है, वक्त आने पर सबको संभाल लेते हैं। खैर, मेरी बेटी अमेरिका में एक हॉस्पिटल बना रही है, 100 करोड़ भेजने का मैंने प्रॉमिस किया उसे। अपनी बेटी से किया हुआ प्रॉमिस मुझे पूरा करना है, समझ गए ना? 20 डेज का टाइम दीजिएगा सर। 20 डेज टाइम? परसों मैंने टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी, यहाँ बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो सेटलमेंट करना चाहते हैं, हम उनसे करोड़ों ले सकते हैं। तुम 10th में फर्स्ट आए थे, IPS में गोल्ड मेडलिस्ट हो, सुना रनिंग में भी बहुत तेज हो, इसके बावजूद मेरे 100 करोड़ इकट्ठा करने के लिए तुम्हें 20 दिन चाहिए। तुम जैसे स्लो काम करने वाले पुलिस ऑफिसर पर लानत है। थू। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है, बाकी दुनिया चाहे भाड़ में, वो काम चाहे तुम करो या फिर कोई चपरासी। मैंने तुम्हें टारगेट दे दी है, कैसे करोगे तुम जानो। जाओ। ए, सैल्यूट करना भूल गए? सॉरी सर। सुना तूने? समझा कि नहीं? समझ गया सर। क्या समझा तूने? कैसर को तैयार भी उन्हें लोगों ने किया और मारा भी। इसीलिए कहता हूं तू जल्दी नहीं समझता। तूने कहा था डिसिल्वा के साथ तेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन वो डिसिल्वा कभी तेरे काम आएगा इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि उसे सिर्फ फायदे से मतलब है। हाँ, अब समझ में आया। कोई भी इंसान जब पावर में रहता है तो अपने औकात दिखाता ही दिखाता है। जैसे मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, वैसे ही उसके पीछे कमिश्नर खड़ा है। मुझे विश्वास है तू पूरी बात समझ गया होगा। नेक्स्ट मंथ में बहुत बड़ी डील होने वाली है, सौदा 2000 करोड़ का और प्रॉफिट 200 करोड़ का, और इस काम के लिए मुझे एक बकरे की जरूरत है। है तो ठीक, नहीं तो तैयार कर ले। एक बकरा है मेरे पास, नाम है कृष्णा। कृष्णा? डील कितनी बड़ी है ये तुझे पता है ना? वो जानता था कि मैं क्राइम की दुनिया का किंग हूँ, फिर भी उसने बहुत करारा जवाब दिया है, आप समझ गए ना? छोटी सी चींटी भी कभी कभी हाथी को नाचना चाहती है, उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। 2-4 दिन में डील होने वाली है, तू अपना काम शुरू कर दे। करता हूँ सर। और सुन। जी सर। काम खत्म होने तक गैंग को स्लीप मोड में रहने के लिए कहना। समझा नहीं? स्लीप मोड भी समझ में नहीं आया? कहीं आना जाना नहीं, किसी भी इंसान से कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हर काम संभल कर करना है।
देर से ट्यूबलाइट चली। अब जा। थैंक यू सर, नमस्ते। बैठ जाओ। ए चक्री, पेपर दे इसे। ये लो पेपर, साइन करो। कुछ खास नहीं है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है। गारंटर मैं तुम्हें बना रहा हूं इसलिए। हाँ ठीक है भाई। भाई यहाँ तो गोवा लिखा हुआ है। गोवा में भी हमारा एक छोटा सा बिजनेस है, साइन कर दो। हाँ ठीक है भाई। फैक्स आया क्या? या आई गॉट इट। टाइप हो गया। फोटो? फोटो किस लिए? फोटो किस लिए? साइन करने को बोला वहां तक ठीक है, लेकिन फोटो वोटो मैं नहीं दे सकता। लेकिन हुआ क्या भाई? अब क्या है, मैं फोटो दूंगा तो वो गोवा जाएगा, फिर विदेश जाएगा, उसके बाद सभी लोग देखेंगे। क्या भाई, थोड़ा फेस वॉश तो करके आ जाऊं प्लीज भाई। भाई सब वॉशरूम कहाँ है? उधर है। ओ फेस वॉश, ग्लो ग्लो। अब लीजिए। ए चक्री, फोटो ले। रेडी? ओके ले लो। थंब इंप्रेशन? अरे कोई शक है क्या, अब इसकी क्या जरूरत है? ए कृष्णा भाई, आपकी बात करोड़ों की, करोड़ों के लिए सब कुछ, मतलब आपके लिए जान भी हाजिर है। फेस डिटेक्शन, नाउ यू कैन गो। बाहर बैठो। ठीक है भाई। ये क्या है भाई, सीनू भाई को पछाड़ कर तुम आगे निकलते जा रहे हो, सीनियर की थोड़ी तो इज्जत करो। शहर के नामी गिरामी गुंडों का आजकल एनकाउंटर हो रहा है, ऐसा भाई ने बोला है, न्यूज चैनल में भी यही हेडलाइन है। ए सीनू भाई, भाई कुछ दिनों के लिए सारे गैंग को स्लीप मोड में रखो। ठीक है भाई। जानते हो स्लीप मोड क्या होता है? जानता हूँ। क्या है? किसी के हाथ में गन नहीं, कोई कुछ भी करे उस पर रिएक्ट नहीं करना है। अच्छी बात है, भूला नहीं। जाओ। मुझसे आगे जाने की कोशिश करने वाला ऊपर चला जाता है। हे मेरी पारो डार्लिंग, बहुत दिनों से बात नहीं हुई है। हेलो, पासपोर्ट का काम हुआ? पहले लाइन में सवाल पूछ लिया। रोमांटिक मोड में इंसान हमेशा नहीं रह सकता। पारो माय गुड डे, काम की बात भी मैं रोमांटिक स्टाइल में ही करता हूँ। परमानेंट एड्रेस मैंने अपने घर का डाल दिया, काम हो जाएगा। कब तक आएगा बताओ? वो तो आ ही जाएगा, आज हम जरा मिल सकते हैं क्या? दो दिनों से तुमसे बात कर रही हूँ, तुम इसी मूड में रहते हो। समझदार है, समझदार है। मैं हमेशा रोमांटिक मूड में ही रहता हूँ। अब बस करो, तुम्हें बात करने का मौका देते ही तुम रोमांटिक हो जाते हो, मुझे ऐसी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। सुनो डार्लिंग, अभी हमने आर्गुमेंट्स बहुत कर लिए, अब काम की बात डिस्कस करनी है, जरा सा कोऑपरेट करो। ओके ओके। फोन पे लगी रहो। आज लोग उससे डरते हैं तो उसकी वजह मैं हूँ। जब से वो कृष्णा आया तब से लोगों ने मुझे साइडलाइन कर दिया है। सेनो, मैं हूँ सेनो। आज के बाद से सेटलमेंट सिर्फ मेरे नाम से होना चाहिए। श्री चलम को पता चलेगा तो हम में से कोई नहीं बचेगा। गैंग के स्लीप मोड में रहने तक हम जो कुछ भी करें तो उसे पता नहीं चलेगा। मैं भी देखता हूँ कौन मुझे मात देता है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। टना 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 टना। हर तरफ खुशबू बड़ी अच्छी लग रही है। फूलों का गुलदस्ता ही जब मेरे घर पे चल के आया है तो मेरा कमरा ऑटोमेटिक खुशबूदार हो जाएगा। हसी आज भी जबरदस्ती किस करोगे क्या? हाँ, तुम्हारे दिल को चोट पहुंची क्या? तुम्हें बहुत बुरा लगा था क्या? उस दिन के किससे तुम्हें जरा सी भी तकलीफ हुई तो फिर जबरदस्ती कहाँ हुई? मतलब तुम्हारी आंखों में मुझे अजीब सी कशिश नजर आई। मेरी आंखों को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ लेती हो। मैं भी जरा तुम्हारी निगाहों को पढ़ लूं।
hey baby, तुम मेरे संग चलो. 143, 143, कहना है मुझे तुमको. Hey baby, तुम मेरे संग चलो. 143, 143, कहना है मुझे तुमको. कैसी बारिश है, पूरी तरह से भीग गए. अचानक से आ गई. फिक्र मत करो. अरे आप लोग दरवाजा नॉक नहीं कर सकते क्या? नॉक कर रहे हैं, पिछले आधे घंटे से नॉक कर रहे हैं. डिटेल्स बताओ मैडम जी. डिटेल ना पूछने का क्या लोगे बताओ. आप चाहते हैं कोई डिस्टर्ब न करे तो दो हरी पत्ती दे दो. अभी बेफिक्र रहो, दरवाजा बंद कर लो. क्यों? पासपोर्ट देने के लिए पोस्टमैन आएगा. पारो बाय. जो स्टार्ट किया उसे कंप्लीट तो करके जाओ ना. दुबई का ड्रीम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता मैं कुछ भी स्टार्ट नहीं करना चाहती. hey! मेरे साथ इतनी बड़ी नमक हरामी, उसने खुद अपनी मौत को दावत दी है. उस सीनू को इतना ऊंचा नाम मैंने दिया और उसने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की. उसकी नमक हरामी समझ में आ रहा. भाई भाई अब टेंशन मत. भाई टेंशन से क्या होगा. कौन है लो? मालिक, सीनू को बाहर से कस्टमर दिलाने वाला चमचा है ये. एडवांस के साथ इन कुत्तों को यहाँ घसीट के लाया हूँ. मारी तो? भाई रुको. भाई, नहीं भाई. मेरा माल खरीदेगा तू? मेरा माल? जानता नहीं? मैं कौन हूँ? भाई सलाम. अभी जाओ. मेरे साथ नमक हरामी करने वाला वो सीनू मुझे चाहिए. ए तुम लोगों को उसे मेरे पास जिंदा पकड़ कर लाना है. मुझे उससे बात करनी है. क्या बात करनी है बॉल? मेरे कस्टमर को माल बेचकर तू कहां गायब हो गया? मैं कहीं नहीं गया था.
इतना बड़ा धोखा करने की तुझमें हिम्मत कहाँ से आई? अपनी हिम्मत है भाई। अबे गन दिखा के डरा रहा है क्या? चल गन नीचे कर, नीचे कर गन। मैं बोल रहा हूँ, मार डालूँगा तुझे। गन नीचे कर रहा हूँ। अबे गन नीचे कर, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं बात कर रहा हूँ। एक झटके में इस गन की गोली तेरी खोपड़ी के आर पार कर दूंगा। बुलेट के खेल में तू ही नहीं, मैं भी मारे चुका हूँ। चले उसे समझाओ। बात कर रहा हूँ ना, बैठ जाओ। कोई गोली नहीं चलेगा। जी सर। सारे कागजात गोवा भिजवा दिए? भिजवा दिया सर। कृष्णा पर तूने नजर रखी है? नजर रखी है सर। गैंग स्लिप मूड पे है ना? बिल्कुल है सर। जरा चौकन्ना रहे। और कब तक पहुंचेगा सर? कुछ काम है, कब तक पहुंचेगा तू? तू मुझे जाने देगा? तू उस पे डिपेंड करता है। आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ सर। ठीक है, जल्दी आ। तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या चाहिए तुझे? पैसे चाहिए। हर महीने तो लेता है? हमारे दम पे करोड़ों कमाते हो, लेकिन हमें क्या देते हो तुम? 50,000? अनिल अंबानी लाखों करोड़ कमाता है, अपने वर्कर को बराबर का हिस्सा देता है क्या? औकात बनानी पड़ती है। तेरी है? हाँ? तेरी है क्या? मैंने आज तक कितनों को मारा, फर्क नहीं पड़ा। तुझे भी मारूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अबे ए, भाई को धमकी देगा तो तुझे मार डालूंगा। भाई आंखें बंद करो, अभी इसको मार देता हूं मैं। कृष्णा पागलपन बंद कर, अपनी गन नीचे कर। देख सिनू, तुझे पैसा चाहिए ना? कितना चाहिए बोल, मैं देने को तैयार हूँ। अरे क्या सेटलमेंट कर रहे हो भाई? मैं इसे अभी देखता हूँ। आप सिर्फ हाँ बोलो भाई, अभी इसकी लाश गिरा दूंगा आपके सामने। चलो हो गया तेरा, चुप। देख सिनो, 1 करोड़, 2 करोड़, फाइनल 3 करोड़। ए गणेश, पैसा लेकर आ। हाँ भाई। ए सिनो, ये लो भाई। ए ए ए सिनो, इधर देख, इधर देख। मेरे माल को हाथ मत लगाना, पैसा लेकर जा। हमेशा से मुझे तेरी नीयत पर शक था, लेकिन कभी बोला नहीं। अब जा। सब लोग अपने गन इस बैग में डालो, जल्दी करो। चलो चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी रखो। ए, जल्दी चलो, रख दो। चलो रखो, रखो। ए कृष्णा, रखो जल्दी। चलो चलो जल्दी रखो। जिसने तुझे गन चलाना सिखाया है, उसके लिए तू सिगरेट नहीं जलाएगा? जलाएगा या नहीं? आज तक यही काम करते आया हूं, लेकिन अब समय बदल गया है भाई। बॉस है बे, इस लाइन में जिसके हाथ में गन है वही बॉस है। भाई मैं तो बिना गन के भी बॉस मैं ही रहूंगा। जीने का कोई हक नहीं है। खत्म कर दे इसे। भूल गया कि भाई ने क्या कहा है? स्लिप मोड, किसी को मार नहीं सकते। सॉरी मैं भूल गया था। हम कहीं पे किसी की लाश नहीं गिरा सकते हैं। स्लिप मोड, करेक्ट। इसे गांव रवाना करके रास्ते में उड़ा के पुलिस को बता देंगे। करेक्ट। एक काम करता हूँ भाई, इसे मैं ले जाता हूँ। करेक्ट। ए सिनु, तू मेरे साथ डील कर या मैं तेरे साथ डील करूं, प्रॉफिट मेरा ही है। इट्स फाइनल। मेरा टारगेट है 1 करोड़ का। वो वाला 5, दूसरा वाला 5, इधर का 5, लिंगप्पा का 5, कुल मिलाकर हुआ 20 लाख रुपया। अभी मुझे 80 लाख रुपया और कमाने का है। मैं सबका एक फोटो लूं तो मैं क्या पोज दूं? लिस्ट में अभी भी लंबा सफर है। माल ढीला करो, मैं जीत गया, चलो निकलो वहाँ से। यहाँ रखकर तू जीत गया? जरा सब्र रखेगा? रख लूंगा। मुझे 500 रुपए नहीं मिला, मुझे और 80 लाख कमाना है। सलम को जाकर बता, वो दिल खोल कर देगा। गुड आइडिया। रुपया मैं क्या? बचपन में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था जब कृष्णा के साथ। अरे बाबूजी, यहाँ से ISD बैंक से लोन लिया हुआ नारायण कौन है? मैं हूँ बेटा। धंधा ठीक से नहीं चला पाया, इसलिए दुकान को भाड़े पे दे दिया। थोड़ी सी और मोहलत दे दो बेटा। अरे बाबूजी, आपका बचा हुआ लोन माफ कर दिया, यही कहने के लिए मैं आया था। अब खुश हो ना? शुक्रिया बेटा। हाँ बोलो जाने मन। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। शादी से पहले माँ बनने वाली हो क्या? ए, मेरे मम्मी पापा आए हैं। अब वो किस लिए आए हैं? जाने का प्लान कैंसिल किया, इसलिए बहुत खुश है। अच्छा, तुम्हारे बारे में भी बताया, इसलिए तुमसे मिलने चले आए। आकर उन्हें इम्प्रेस करो, वरना मुझे दुबई में ही किसी डॉक्टर के साथ सेटल होना पड़ेगा। 10 मिनट में तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा और उनको इम्प्रेस भी करके बताऊंगा। तो बेटा, लड़के ने क्या कहा? वो 10 मिनट में आ रहा है पापा, तब तक कॉफी हो जाए। उसी के साथ पियेंगे बेटा। ठीक है। ये बताओ,
तुम तो अपना जॉब दुबई में कंटिन्यू करने वाली हो, लेकिन वो क्या करता है? ए जी, इसने कहा ना कि वो लोन रिकवरी का काम करता है। हाँ। नहीं बचता, मैंने तुझे पहले ही बोला था, फिर भी तूने गलती की, मेरे मुंह का निवाला छीनने की गलती की तूने। इसकी सजा अब तुझे क्या मिलेगी तू सोच भी नहीं सकता। बर्बाद कर दिया, इतना सादा तब से धंधे में हूँ। सीनू, मैं हूँ सीनू। मुझे एक फोन करने दो ना भाई। मौत के मुंह में खड़ा है फिर भी गर्लफ्रेंड याद आ रही है। हा? श्री सैलम भाई से बात करके इस मैटर को सॉल्व कर देता हूँ। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? बात कर, बात कर, बात कर, बात कर भाई से, बात कर, बात कर। डैडी, लंच? उसे आ जाने दो बेटा। अरे वो चाहे कोई भी है, गवर्नमेंट तो मेरे साथ है ना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, आओ आओ डिसिल्वा। बीस तारीख की रात को जॉय जौहरी के यहाँ पे एक डाका पड़ा था। 25 करोड़ से ज्यादा के गहनों की चोरी हुई थी वहां से। चोरी किसने की? वो तुम्हारे ही लोग थे। हिस्सा चाहिए तुम्हें? वो आदमी चाहिए, बीच बाजार एनकाउंटर करके मुझे वो गहने लौटा ले। तारीख क्या थी? 20 तारीख। तुम इसे ले जाओ। इसका नाम कृष्णा, मेरा मोहरा है। जहां चाहिए वहां मिलेगा, जिंदा दूंगा, लाश लौटाना। भाई, सीनू ने मुझे किडनैप करके रखा है, मुझे मारने की धमकी दे रहा है। आप आके सेटलमेंट कर दो ना तो ये मुझे छोड़ देगा। प्लीज भाई, मेरी जान बचा लो भाई। प्लीज भाई, मुझे बचा लो। प्लीज भाई, भाई, भाई। तेरे मोहरे को अब मैं इस्तेमाल करूंगा। तू क्या समझता है वो यहाँ आकर तुझे बचा कर ले जाएगा? गलत फहमी है तुझे। लाया तू, अब तेरा खेल खत्म, खेल खत्म हो गया कृष्णा।
अब हम निकलते हैं बेटा। कुछ देर और वेट करें। वो 11 बजे आने वाला था, शाम के 5 बज गए बेटा। देखो उसने 10 मिनट का वादा किया और अब तक नहीं आया। इससे पता चलता है कि वो तुम्हारे वक्त और प्यार की कितनी कद्र करता है। बचपन से लेकर आज तक तुम अपनी जिद पूरी करती आई हो, मनपसंद स्कूल, कॉलेज, जॉब और अब बॉयफ्रेंड। ये फैसला इतनी आसानी से मत लो बेटी। याद रखो ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है, थोड़ा सोच समझ कर फैसला लो। तुम हमारी इकलौती बेटी हो और हम तुम्हारे माँ बाप हैं। जो कहेंगे तुम्हारे भले के लिए ही कहेंगे, तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। अपना ख्याल रखना बेटी। ट्रिगर दबाते ही एक सेकंड में तेरी सांस रुक जाएगी। बाहर निकल गया तो तुझे कुत्ते की तरह नोच कर मार डालेंगे। तेरा मरना तो कंफर्म है। अब क्या करेगा तू? आखिर पूरा मैटर क्या है जानना चाहता हूँ। तो फोन कट कर रहा है। क्या हुआ? फोन पर फोन किए जा रहा है, कोई परेशानी है क्या? एक घंटे में मेरे फॉरेन बिजनेस पार्टनर यहाँ पहुँच रहे हैं फाइनल मीटिंग के लिए। तुम्हारे उस कृष्णा के फोटो और सारे डिटेल्स मैच करेंगे, साथ लेकर चलना है, बुलाओ उसे। सीनू उस लड़के को लेकर फरार हो गया सर। क्या कहा? तो जानता है ना कि आज हम करोड़ों का डील करने वाले थे और तू इतनी आसानी से कह रहा है कि वो फरार हो गया? किसी काम का नहीं है तू। सीनू उसे कहाँ लेकर गया है? मालूम नहीं सर, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। गैंग पॉलिटिक्स 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 पॉलिटिक्स। तुझ जैसे गधे पता नहीं क्यों भाईगिरी करते हैं। मैंने तुझे पहले ही समझा दिया था ना कि स्लीप मूड में रख अपनी गैंग को, फिर भी कहता है गैंग पॉलिटिक्स। अरे ये डील हमारे लिए कितनी जरूरी है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, तुझे पता नहीं था? पता तो था सर, लेकिन फिर गलती कैसे हुई? कैसे हुई गलती? वो गया तो तू भी जाएगा। याद रख, मैं तुझे 1 घंटे की मोहलत देता हूँ। कृष्णा को मेरे सामने लाकर खड़ा नहीं किया तो 2000 करोड़ का डील कैंसिल हो जाएगा और मैं तेरी जान ले लूंगा। तू सीनू का पैर पकड़ेगा या नाक रगड़ेगा ये मुझे नहीं पता, चाहे कुछ भी कर, 1 घंटे के अंदर मुझे यहाँ कृष्णा चाहिए। सर झुकाकर क्या सोच रहा है, चल जा। ये बता तू चाहता क्या है? ए इधर आ। ए, ये मेरा लड़का है, छोड़ दे इसे। तेरा पाल तो तुझे प्यारा है, मुझे नहीं। देख सिनू, अगर इसे कुछ करेगा मतलब मुझे करेगा, रुक जा। ये क्या कर रहा है? सोचता हूँ उसके जगह तुझे गोली मार दूँ, सारा लफड़ा खत्म हो जाए। मर्डर किसी बात का हल नहीं, शुरुआत है। बातों से भी कुछ हल नहीं होता। सही ढंग से बातचीत हो तो हल क्यों नहीं होता? रुक जा। तू क्यों खड़ा हो गया? बैठ जा। रुक जा। सीनू, मुझे इसे जिंदा छोड़ने की कीमत चाहिए। कितना चाहिए? 2 करोड़? 3 करोड़? ठीक है, रुक जा। जितना चाहिए बोल, मिल जाएगा। गोवा चाहिए। गोवा? ठीक है, रख ले गोवा, दे दिया तुझे गोवा। रुक जा, कुछ मत कर, गोवा तेरा है। सुन कृष्णा, तुझे कुछ नहीं होगा, गोली पैर में लगी है, टेंशन मत ले, वो निकल जाएगी, शांत हो जा। इससे पहले कि दूसरी बुलेट इसे मौत के दिन सुला दे, मुझे गोवा हैंड ओवर कर दे। गोवा हैंड ओवर कर। बोलो श्री सलम। डिसूजा, आज से मरने तक गोवा सीनू के नाम रहेगा। एक बार उसको दे दिया तो गोवा लाइफ लॉन्ग सीनू का होगा। और एक बार सोच, मैंने कह दिया ना, ये फाइनल डिसीजन है। फाइनल। हाँ ओके। ए, आज के दिन से गोवा का सारा बिजनेस सीनू का होगा। खुश दिल खुश। कृष्णा कुछ नहीं होगा, चल मेरे साथ।
फर्स्ट टाइम तो अपने अलावा किसी और की फिक्र कर रहा है। कोई तगड़ा झोल है क्या है? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं मारेंगे तभी वो अंडा देगी। आज मैंने इसकी जिंदगी बचाई है, इसका फायदा मुझे कभी न कभी जरूर मिलेगा। थैंक्स भाई, आपने या तो ये मुझे मार देता। भाई मेरी वजह से गोवा आपके हाथ से चला गया, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है भाई, मैं सब छोड़कर दुबई चला जाता हूँ। छोड़कर जाने की बात की तो जान ले लूंगा, 10 दिन और इंतजार कर, तुझे जहाँ जाना है वहाँ मैं सेफली भेजूंगा, तब तक तू आराम के सिवा मेरा कोई काम नहीं करेगा। चला जा, गाड़ी में बैठ। हाय गाइस। हाय कृष्णा, हाउ डू यू डू? हाय। हेलो, कम। सिग्नेचर, पासपोर्ट स्कैन। ओह या, मैंने पासपोर्ट का काम दिया था, हुआ क्या? आने वाले 15 दिनों में चेक हो जाएगा। कैश, कार्ड, ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ भाई, लोन लेने की बजाय हम ही इन्हें पैसा दे रहे हैं, बात मेरे को समझ में नहीं आई। रिश्वत। ओहो, बाहर बैठ। ओके भाई, सारा काम हो गया क्या? Our job is done. Yes, your job is done. Yeah. काम पूरा होने के बाद रास्ते के कांटे को इसी तरह हटाना चाहिए, तभी हमें कभी कोई छू नहीं पाएगा। पूरा पैसा अंदर आ गया है, कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे। अब आगे से जब भी तुझे मुझसे बात करनी हो तब मेरे प्राइवेट नंबर पर ही कॉल करना। पुलिस वाले फोन टैप करेंगे या वो हमें पकड़ लेंगे, इसलिए नहीं सर, बड़े भाइयों से बचने के लिए। मैं समझ गया सर। उस बकरे का इस पर जरा ज्यादा ख्याल रखना। जब तक आपका ये काम पूरा नहीं हो जाता, उस बकरे को सही सलामत रखने की गारंटी मेरी है। पारो, क्या हुआ तुझे? कल मुस्कुराहट मिली थी और आज आंसू मिले हैं। बाद में मिलती हूँ। पारो रुको, मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? मुझ पे क्या गुजरी पता है? उस सीनू ने मुझे गोली मार के जख्मी कर दिया था। मेरी गलती नहीं है, समझने की कोशिश करो, फिर भी चाहो तो 2 थप्पड़ लगा दो। अब कोई नई चाल चल रहे हो? मेरे साथ चलोगी तो सारा मैटर समझ में आ जाएगा। तुम्हें मैं नहीं जानती, तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। तुम्हें नहीं जानती, चलो यहाँ से फुटो। बेबी डोंट फियर, आई एम हियर। अब ये नया नॉनसेंस कौन है? नॉनसेंस कौन रे? चीफ न्यूरोलॉजिस्ट हूँ मैं। नस पकड़ कर दबोच दिया तो सारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तू न्यूरोलॉजिस्ट है तो ये चक्कू है, अगर मैं चाहूँ तो तेरे ही अस्पताल वाले तेरे ही सुसाइड केस का सर्टिफिकेट दे देंगे। बोल, चखना है मजा तुझे? आएगा हमारे बीच में? कूल डाउन ब्रो, आप हमारी बेबी से मिलिए, मैं अंदर अपना काम करता हूँ। ए बेबी, नर्स। तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो? हाँ तो? तो फिर मेरे साथ आज रात 10 बजे दुबई जाने की तैयारी करो। इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है? तो फिर कल शाम को चले, परसों मॉर्निंग, 2 दिन बाद भी जा सकते हैं। इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है पारो। जब हम मिले थे तब क्यों नहीं बताया था कि ये मुमकिन होगा या नहीं? जब प्यार करते हैं तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाना पड़ता है। रहने दो, तुमसे नहीं होगा। हेलो मेरी डार्लिंग वाइफ, बोलो। आपको जो कहा था वो ला रहे हो ना? क्या ला रहा हूँ? मुझे होटल का मस्त खाना चाहिए। कल पतारू, तू जानती हाउ मच आई लव यू। तो एक काम कर, उस प्यार से अपना पेट भर ले, मैं नहीं आ रहा हूँ। प्यार से सबका पेट कैसे भरेगा? तू कुछ जुगाड़ कर लेना। बच्चों को भूल गए क्या? उन्हें फ्राइड राइस खिला। रात को बहुत हेवी हो जाएगा। चिकन खिला दे। अरे आज मंगलवार है, पाप चढ़ोगे क्या? एक काम कर, जो भी घर में है वो बना के खिला दे। रोज तो घर का खाना खाते हैं। हाँ तो? कभी तो अलग खिलाओ। इडली सांभर लाऊं? हर बार तुम यही क्यों लेकर आते हो? एए, 2 मिनट में मैगी बन जाती है, बना ले। मैगी आजकल मिलता कहाँ है? अब तुझे बच्चे की जान लगी। मैं जो कहूँगी वो तुम ले आओगे क्या? ये मेरी बीवी ऐसी है या दुनिया की सारी बीवी ऐसी होती है? पारो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अचानक तुम्हारा दिल कैसे बदल गया?
ए, इतना बड़ा पत्थर कहाँ से आ गया? ए, खड़ी गाड़ी नहीं दिखती क्या? अरे तो खड़े खड़े ठोक रहा है। ऑफिसर, हैदराबाद ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट रमेश रिपोर्टिंग सर। ए, इधर आ। ओके। आ गया। जोर की लगी है, गियर रिवर्स में लग रहा है। लगता है तू भी मेरी तरह गम के सागर में डूबा है। इसके बिना तू भी नहीं जी सकता ना। ऐसे घुट घुट के जीने में क्या मजा है, इससे अच्छा मर जाना बेहतर है। हम चाहे जो कर ले, हमारी किस्मत में दुखी लिखा है। मेरे को देख, क्या हो गई है मेरी लाइफ। बोलना, हमें गम देने वालों की वजह से हम सब कुछ गवा देते हैं। क्या बात कर रहे ऑफिसर, मैं बिना पैसे के इसको लेके आया हूँ। पॉकेट की चीज बार बार नहीं मिलेगी भाई। आज तू लकी है रे, जो एक बार लव करता है उसकी पूरी लाइफ नशा बन जाती है। वो खुश होने का नाटक तो करता है लेकिन खुश कभी नहीं हो पाता। ये बोतल हाथ में रहेगी तो इमोशनल कर देगी, मैं इससे जल्दी खत्म कर देता हूँ। अबे मैं लवर की बात कर रहा हूँ और तू अपने क्वार्टर की बात कर रहा है। थोड़ा मुझे मारा। उठना बे। अगर मैं उठ गया तो मैं बहुत मारूंगा। इतने जोर से मारने की क्या जरूरत थी यार। ए, तू आ गई, बहुत बढ़िया। बड़ी फ्रस्ट्रेशन में मिली है। नाम क्या है? और कोई इसे नाम क्यों पूछता है? कतरीना कैफ। ये कतरीना कैफ नहीं ऑफिसर, ये काटने वाला नाइफ है। स्वीट एंड सॉल्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। चल, क्या देगा? तेरी लाइफ सेट कर दूंगा। तूने अगर प्यार दिया तो वही काफी है। अरे वाह 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 वाह, आज रात को हम दोनों शादी करेंगे। पंडित को बुला। अरे माँ, मैं मर गई पहले शादी। ऑफिसर, ये फ्रिज का ही मिक्सर है, इसके जाल में मत फंसना वरना चक्कर में घूमते रह जाओगे। उधर। बाप रे, बिल्कुल सन्नाटा और सुहानी रात। यहाँ क्यों लाया है राजा? अभी बताता हूँ बताता हूँ। ए, चल बाहर निकल। तू ठोकर मारेगी तो मेरे को दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। देख इसको, लगती है कि नहीं मल्लिका की तरह हसीना। तुम हो बड़े नॉटी और मैं हूँ हॉटी। ओफ, इस फिगर को देखकर किसी का दिमाग खराब नहीं होगा क्या? इसका नाम जानती हो? जाने मन नाम क्या है तेरा? कतरीना कैफ। हाँ, कतरीना कैफ, सिस्टर ऑफ मोहम्मद कैफ और इस वक्त मेरी वाइफ। अरे वाह, क्या हुआ जाने मन? कुछ हो रहा है। कंफर्टेबल हो ना? अब तुम्हें इसकी क्या जरूरत है, हम शादी करने वाले ना। लवर होता है ऐसे, फुल कोऑपरेशन। देख के सीखो कुछ। चली गई और घर की खिड़की के साथ दिल की खिड़की भी बंद कर दी। उस लड़की में ऐसा क्या रखा है, उससे ज्यादा खूबसूरत मैं हूँ। माना तो खूबसूरत है और मैं भी जवान हूँ, लेकिन क्या हो गया तुम्हें? उसके सामने मेरी करीबानी से शर्मा रहे हो? अरे ये मिस्टर, ये मिक्सर ऑफिसर, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो तुम। मुझ पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो इसके पैरों के बाल निकले भालू जैसे। ऑफिसर, आपकी प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गई, मुझे 1 सेकंड का टाइम दो। सिस्टर, आई नेवर डोंट टच यू, प्लीज कम। This is your mark. This place same. Sister, ये जबरदस्ती गुस्सा दिखा रहा है, ये तुम्हारे प्यार की तड़प है। Am I correct? Proceed your honor. तुम लोग compromise करके एक दूसरे से घुल मिल जाओ और इस dual sim को मैं अपने साथ ले जाता। जानता है प्यारे, इस लड़की की वजह से मेरी इससे शादी टूट गई है, तो अब तू करेगा क्या? अरे तो चल मेरे साथ, मैं ऑलरेडी एक से परेशान हूँ। तू मेरे को कंधे पे बोझ डाल रही, तू बैठ यहाँ से निकल, चल। बुलेट लगने के बाद मैं घायल हो गया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा शायद मैं जिंदा ही नहीं बच पाऊंगा, लेकिन बच गया। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। तुम्हारे ना आने पर मैं क्या क्या सोच बैठी थी। जब सच्चाई पता चली तो मैं अंदर ही अंदर घुटने लगी। तुम्हें कुछ हो जाता तो सोचो मैं क्या करती। कुछ हुआ तो नहीं ना। अरे ऊपर वाला अपने साथ है, और अगर होगा तो भी देखा जाएगा। इसी बात का मुझे हमेशा डर रहता है। पहले मेरे मॉम डैड नहीं चाहते थे कि मैं दुबई जाऊं, लेकिन अब वो मुझे जबरदस्ती भेज रहे हैं। मेरी लाइफ तो फैसला करने का हक मुझे होना चाहिए, किसी और का फैसला मैं क्यों मानूं? एकदम करेक्ट, तो मुझे डिसाइड कर लो ना। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। वो तो मुझे भी नहीं है। वीजा ले लेते हैं और हम दोनों दुबई ही चलते हैं। चले जाएंगे। अभी जो तुमने कहा वो कल सुबह तक याद रहेगा ना? याद नहीं रहा तो याद रखने के लिए याद दिलाना पड़ेगा। इरादा क्या है? इरादा तो यही है जो पहले किया था, अभी करना।
हमेशा यही सोचते हो, मौका मिला नहीं कि फायदा उठाते हो। चलो हटो, जब देखो तो रोमांस ही सोचता है। पारो, माय गुड डे, मॉर्निंग में नहीं लाइफ को बनाने के लिए मैं गगो गोवा जा रहा हूँ, गगो गोवा जा रहा हूँ। ए पार्टी तेरा इंतजार कर रही है, जा। हेलो डिसिल्वा, सीआई डिसिल्वा। तेरा नाम सुनकर घबरा जाऊंगा, इतना डरपोक इंसान नहीं हूं मैं, वैसे भी मेरा एरिया बदल गया है। मुझे तेरी घबराहट की नहीं, तेरे साथ की जरूरत है।
सीनू जो भी काम करता है उसकी कोई ना कोई कीमत होती है। प्राइस सुनकर तो खुद भी हिल जाएगा। श्रीशैलम 2000 करोड़ का इलीगल ट्रांजैक्शन कर रहा है, मुझे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। पूरी मतलब पूरी। कैसे करना है वो तू समझ। अपने धंधे में कितना भी बिजी हो जाऊं लेकिन तुझे नहीं भूल सकता कृष्णा। उस गैंग में कृष्णा नाम का एक लड़का है, उसे उठा दो, काम हो जाएगा। जरा प्यार से इंटरोगेट करना। जौहरी बाजार में बहुत बड़ी चोरी, बड़ा हाथ मारा क्या? मैंने प्लान कैंसिल कर दिया सर। यस सर, प्लान कैंसिल कर दिया। तेरी तो मेरे पैर का जूता मेरे ही पैर में रहना चाहिए। जो मैं कहता हूँ वो तुम्हें हर हाल में करना होगा। 2000 करोड़ की एक डील का पता चला है सर। श्रीशैलम कुछ फॉरनर्स के साथ मिलकर इलीगल ट्रांजेक्शन करा, इसकी इन्फॉर्मेशन मिली है सर। इस मौके का हम फायदा उठा सकते हैं और इससे आपका भी काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सॉरी सर। तुम्हारा प्लान क्या है? उसकी गैंग में एक आदमी है जिसे हम मोहरा बना सकते हैं सर। उसका नाम है कृष्ण। हम उसे उठा लेंगे। श्रीशैलम को कानो कान खबर भी नहीं होगी और हम उसे सारी इन्फॉर्मेशन उगलवा लेंगे। प्लान इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस सोच को डिलीट करने से पहले मुझे जरा सोचने दो। ए, इन दो उंगलियों में से एक को छू, एक है गन शॉट और दूसरा है करंट शॉक। प्लान में कोई गड़बड़ हुई तो दोनों हो सकता है। इसी वक्त काम पे लग जाओ। जाओ। ए, यस सर। सॉरी सर। सैल्यूट। सॉरी सर। कहां गई होगी? हॉस्पिटल में ढूंढा तो कहीं नजर नहीं आई, फोन किया तो उठा भी नहीं रही है। हेलो डिसिल्वा, सीआई डिसिल्वा। सर, जब अपना कोई लापता होता है तो पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, यह नहीं पता तुम्हें? क्या? पुलिस स्टेशन आ जाओ। अभी आया सर। पारो। कृष्णा। क्या बात है पारो? मुझे यहाँ क्यों लाए हैं पता नहीं, सिर्फ बैठा कर रखा है। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ए, आओ साहब बुला रहे। तुम यही रुको, मैं बात करके आता हूँ। सर क्यों बे, 2 घंटे तेरी माशू का क्या गायब हो गई? तुझे इतनी टेंशन हो गई? हमेशा के लिए गायब हो गई तो? ऐसा नहीं होगा सर। क्या ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? तो जो मैं कहता हूँ वो कर। श्रीशैलम रोज किस किस से मिलता है, वो किस किस से बात करता है और वो क्या प्लान बना रहा है, ये सारी खबर तू मुझे देगा तो सब सही रहेगा। कोई प्रॉब्लम है इन्फॉर्मर? वो लोग मुझे मार देंगे सर। तेरी माशुका की जान प्यारी नहीं है क्या? ठीक है सर। ये है ना समझदारी की बात, जो मैंने कहा वो तू करता रहेगा तो तुझे उसकी पूरी कीमत भी मिलेगी, वरना कहीं उसे हाथ ना धोना पड़े। जा। क्या कहा? कुछ नहीं, घबराओ मत। हट जाओ रास्ते से, शेर आ रहा है। वन टू थ्री फोर। मजाक नहीं समझते क्या बेटा? ऐश कर आउट। ए लॉलीपॉप इधर आ। क्या है सर, आप बिना बुलाए कैसे आ गए? तुझे हिम्मत की जरूरत पड़ेगी तो मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आइए प्लीज बैठिए, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। तेरी कीमत कौड़ी की नहीं है, तू मेरा लाखों क्यों उड़ा रहा है? मेरे लग्जरी लाइफ जिया, टैक्सी ड्राइवर से मीटर की जगह हजार होता है। तू चीजें का अमीर ज्यादा है, सूट बूट कोट यहाँ तू ऐश करता है, वहाँ तू किराए पे रहता था, यहाँ रफ एंड टफ लाइफ जी रहा है, वो भी अपने भाई की कमाई पर। मैं अपने बाप का इकलौता संतान हूँ, हम लोग जुड़वा नहीं है। मैं तेरे बाप का बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन हम लोग जुड़वा जरूर है। मेरे पैसे उड़ाता है, चल। देख इस बार मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन दोबारा नहीं। नहीं, अपने इमोशनल दिल को साइड में रख, कड़क एक्सप्रेशन दिखा। कैसे? क्या कैसे कैसे? आंखों से करंट निकलना चाहिए, रफ्तार बुलेट की होनी चाहिए, हौसला आसमान को छूने का होना चाहिए। मुझसे ये सब होगा क्या? अरे अगर तुझसे नहीं होगा तो मैं किस काम का? ओके, मुझ में हिम्मत आ गई है, तुम्हारा रोल खत्म, तुम मेरे अंदर आ जाओ। ओके। ए, कौन है तू? अमेरिका का इकलौता फौलाद हूँ, इस देश के लिए भी मैं वही हूँ। वाह
हाँ भाई तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। इतने बदलाव के बाद भी नहीं समझा कि नौकर था, नौकर था, ड्राइवर था, लेकिन सब बदल गया। मेरे बुरे वक्त में मेरा घर छीनने वाला तेरा वो भाई कहाँ है? अंदर है। एक एक दिन का किराया मैं उससे वसूल करूंगा। कौन है, कौन है, कौन है, कहाँ छुपा बैठा है वो? कमान 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 मिल गया। फुल्ली 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 चार्ज हूं मैं। ब्रेक लगा, ब्रेक लगा। तो ओनर साहब यहाँ कैसे आना हुआ? हा? तेरी बेटी से शादी करने आया हूँ, करवाएगा? ए, काट डालूंगा। ए, 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 तूने क्या मुझे मुर्गी समझ रखा है? तू भेड़िया है, मैं शेर हूँ, रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। अरे थोड़ी इज्जत करो यार, भीगी बिल्ली अब शेर बनकर लौटा है। चलो बिल्ली काली करो, गेट आउट। और नहीं किया तो? नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। अरे तू क्या, तेरा बाप भी करेगा। सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा, आधा घंटा में कोई नजर नहीं आएगा। धोखे से मेरा घर हथिया लिया था। ज्यादा मत बोल, बीवी बढ़ जाएगा। ए, मेरा बीपी चढ़ा तो सबका बीपी उतर जाएगा। तू खुद को क्या समझता है रे? मेरा हाथ पड़ा ना तो तेरी बत्ती बाहर आ जाएगी। ए, 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 तुझे मारना मेरे लिए बाल उखाने जैसा है। बहुत ज्यादा बोल रहा है। तुम लोगों का नामो निशान मिटाने, अगर अपनी मुच्छी पे दाव दिया तो तुम लोगों की खटिया खड़ी हो जाएगी। और तुम मेरे बाजू से क्या गुजरा? बुलेट जो निशानेबाजी का एक सैंपल था, दोबारा बोलेगा तो सीधा सीने में घुसेगा। मुझे जोर की लगी है। कंट्रोल कर, ढक्कन बंद, वो बाद में, पहले बॉस से मिल ले। सर प्लीज सर, घर खाली कर दो ना सर, हमेशा गन दिखाते हैं और मैं लाली पर चूसता हूँ। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सर। प्लीज सर, आपको मंदिर में बैठा के आरती उतारूंगा सर, घर खाली कर दो सर। सर 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 प्लीज सर, मैं आपके बच्चे जैसा हूँ, थोड़ी तो तरस खाओ सर। है छे, मैं ऐसा शौक नहीं पालता। है छे, एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट। अरे अरे, कौन हो भाई तुम? और तुम मुझे छोटे बच्चे की तरह पुचकार के क्यों बुला रहे हो? मिलकर सबकी बैंड बजाओगे? आपकी तारीफ। गुंडा सर, ये देखो चाकू। मेरे दोस्त के पास मुझे चाकू मिल गया है। अब आंधी आए, तूफान आए, मैं नहीं डरने वाला। रुको, जिंदगी में कभी कभार तो समझौता करना पड़ता है। आप खुद को सही से पहचान नहीं पाए। तुम मुझे पहचान गए, मैं क्या चीज हूँ? हिम्मत से काम मत लीजिए, अकल से काम लीजिए। मैं ना समझूं क्या? किसने कहा तुम्हें अपना बंगलो वापस चाहिए कि नहीं? तो अपने इस दोस्त पर भरोसा करो। ये मेरे घर पे कब्जा करके ऐश कर रहा है। चला गया तो? और तकलीफ, मेरी जिंदगी खराब। तुम फीस कितना लोगे? आपसे क्या पैसे लो, 5,000 दे देना। इतना कम? सिर्फ 5,000? 5,200 रुपए ले लेना सर। आई एम टू स्मार्ट, एडवांस में ये लो लॉलीपॉप। आपने चखा तो नहीं ना? नहीं, सिर्फ चाट कर देखा है। मुझे दुश्मन तो नहीं समझते ना? नहीं, तुम मेरे क्लोज फ्रेंड हो। तू तैयार है ना, मैं बात करता हूँ। ठीक है सर, आपको देखते ही मुझे डर लगने लगता है। नेक्स्ट वीक मेरी रिटर्न फ्लाइट है, मेरे जाने तक मैं यहाँ रह सकता हूँ क्या? हूँ क्या कर रहे हूँ, एक हाउस ओनर को इतनी फैसिलिटी दे सकते? रहो, जल्दी ऊपर आओ, आप वहीं सेफ रहोगे। ए, दूसरों को पैर में गिड़गिड़ाने वाला कैसा मर्दर है तू? थू, सुन, आम खाने के लिए कभी कभी बगीचे के मालिक को मस्का लगाना पड़ता है। समझदार वही है जो अकल से काम अच्छा लेता है। तू समझदार है? सुन, एक बार तू मेरा कहना मान ले। वो दिन रात गन को अपने हाथ में लेकर घूमता है, उसकी सटक गई तो मैं गया, तू अकेले रह जाएगा। सोच, मैं आत्मा बनकर भटकूंगा, तुझे अच्छा लगेगा। इसलिए हम लोग थोड़े दिन यहाँ पे रुकते हैं, उसके दोस्त बन जाते हैं। ओके, देख तुझे जो करना है कर, मुझे मेरा घर मिलेगा, मुझमें समझ आएगा तो हो जाएगा। सुनो श्री सैलम। सर, मिल गई हमें डेट, मिल गई इस महीने की 25 तारीख को 2,000 करोड़ का सौदा। ऐसे करूंगा कि फरिश्तों को भी पता नहीं चले। 3 महीने बाद मैं बनूंगा CM और तू म्यूनिसिपैलिटी में, छिछी मेरी मिनिस्ट्री में, तू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड बनेगा। थैंक्स सर। थैंक्स की जरूरत नहीं, लगता है तेरी समझ में बात अभी तक नहीं आई। हमारी पूरी डील एक ही इंसान पर निर्भर है जो पासा पलट सकता है, तेरा वो कृष्णा। हम उसके साथ भी वही करेंगे, यूज एंड थ्रो, काम खत्म होते ही शमशान पहुंचा देंगे। समझा कि नहीं? समझ गया। पारो, माय गुड डे, कांग्रेचुलेशंस। तुम्हें भी। दुबई, वीजा फॉर 10 इयर्स। मेरा जॉब वीजा है और तुम्हारा विजिट वीजा। शादी के बाद तुम्हें भी परमानेंट वीजा मिल जाएगा। 25th मॉर्निंग 7 o'clock की फ्लाइट है। एक मिनट, एक फोन आया। सर, तू है कहाँ? अमीरपेट सर, हाईटेक सिटी में। और बोल रहा है अमीरपेट में, बेवकूफ, तुझे देख सकता हूँ। अब तो सुन, आधे घंटे के अंदर मुझे श्री सैलम का फोन चाहिए। सर, इट इज इम्पॉसिबल सर, वो फोन हमेशा अपने साथ में ही रहते हैं सर, हाथ भी लगा दिया तो मारा जाऊंगा। जरा लेफ्ट साइड में देख। तूने वो नहीं किया जो हम चाहते हैं तो तेरी माशुका का वही काम तमाम हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ एक बटन दबा दिया तो वहाँ ट्रिगर दब जाएगा। जो कहा वो कर, कोई चॉइस नहीं है। आधा घंटे
में मुझे फोन चाहिए। लाता हूँ सर। क्या दोस्त तुम इतनी गहरी सोच में हो? तुम्हारा क्या होगा इसी बारे में सोच रहा था। सिर्फ 5,000 रुपए के लिए तुम इतना टेंशन ले रहे हो? तुम्हारी सिंसेरिटी देख के मैं खुश हो गया दोस्त। बोलो क्या चाहते हो? श्री सैलम को इस घर के बाहर धकेलने के लिए उसके राज जानने होंगे। ऐसा करने के लिए हमें उसका फोन चेक करना होगा। मैं जब तक उसका फोन चेक करता हूँ तो उसको मैनेज कर ले। मुझे तुम शेर की गुफा में भेज रहे हो, इसी प्लान को हम रिवर्स करेंगे। तुम जाकर फोन बाहर ले आओ, मैं मैनेज करता हूँ। सर आप कितना महान सोचते हैं। अच्छा जस्ट अ मिनट ललिपॉप। यस पापा, व्हाट टू डू बताओ पापा। इधर आ, इधर आ चीते, इधर आ। तुम आ गए? एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। अरे कितना टाइम लगाया, मैं कब से बुला रहा हूँ। अच्छा बात ये है कि मुझे ऑर्डर नहीं दे रहा है। वो हीरो तेरी मदद करना चाह रहा है और तू उससे शक कर रहा है। अगली बार जो कुछ बोलेगा चुप कर देना, समझा? तो मैं तेरी खाल उतार दूंगा। अरे इतना मत मारो यार, मेरे पैंट का बटन भी टूट चुका है। एक चांस तो देकर देख, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे तुझ पे भरोसा ही तो किया था, तभी तो आज पछता रहा हूँ। कब? याद नहीं है तुझे? ये घर किसकी वजह से गया? मैं तेरी बात अच्छे से समझ गया, अब तू अंदर आ जा। पक्का? आया। किससे बात कर रहे थे सर? अपने दोस्त से बात कर रहा था। तुमने जो बोला ना एकदम करेक्ट है, किसी तरह मैं उसे मैनेज कर लूंगा। अभी महान है, अमेरिका की तरह यहाँ पे भी मैनेज कर लोगे। अब चलो अभी। अरे अमेरिका का मेरे मैनेजमेंट से क्या संबंध है? चलो अगर तुमने ऐसा कहा तो जरूर होगा, चलो देखते हैं। मेरा फोन कहाँ? चल बाजू हट पे कदे। तू सारे संसार को घुमाने की ताकत रखता है और एक छोटे से फोन को भी संभाल के नहीं रख सकता क्या? जबान को लगाम दे। अरे काहे का लगाम, घोड़ा समझाए? जो तेरे कहने पे लगाम लगा लूं, आज तो मैं सब कुछ फाइनल करके ही जाऊंगा। किसमें हिम्मत है जो मेरा सामना कर सके? कम ऑन। भाई के साथ कॉमेडी कर रहा है क्या? अरे बोल क्या ड्राइवर, नहीं छोड़ूंगा, आज मैं सबको मारूंगा। सर 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 जल्दी कीजिए प्लीज। श्री सैलम ने किसी खास काम के लिए किसी और को तो कहीं नहीं भेजा ना? नहीं सर। तूने वैसे किया कैसे? ए अंकल तोड़ दू क्या? नहीं नहीं बहुत कॉस्टली है। अरे फिर संभाल ले। अब मैं हूं बॉस। ये मेरे निशाने से मक्खी भी नहीं बच सकती। हाँ ए श्री सैलम, चूहे की तरह क्या छुपा है? जान बचानी है तो घर छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा तो कसम खा के कहता हूँ तू मरेगा। सर से लेकर पैर तक छेद कर दूंगा, सैंपल देखेगा क्या? गोली कहाँ गई यार? मारो इसे। अरे नहीं सर, जरा जल्दी कीजिए ना प्लीज। मैं जो बोलता हूँ वो चुपचाप करता जा, मुझे ऑर्डर मत दे। भाई घर इसका है, अगर इसने कंप्लेंट दे दी तो बेकार पंगा हो जाएगा। मेरे ख्याल से वो समझ गया होगा भाई। बस बहुत हो गया, जाने दो इसे। ए चल जा। याद रखना तुम लोग, ऊपर वाला तुम्हें माफ नहीं करेगा। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, इतना मारा है कि मुझे तारे दिख रहे हैं। कृष्णा जरा फोन देना। अरे मेरा फोन तो इधर ही था, मुझे दिखाई नहीं। मुझसे मैनेज करने के लिए कहा था, मैं तो कुछ और ही कर बैठा। अब क्या होगा कौन जाने। हे ईश्वर मेरी हालत देख के तो खुश है ना। वाह वाह वाह, क्या परफॉर्मेंस है आपका, ऑसम, काम बन गया। सुन एक एक गिरबान पकड़ के इस घर से बाहर फेंकना है। लेकर आओ, ये काम मैं खुद करके दिखा दूंगा। वाह वाह वाह, मेरा परफॉर्मेंस देखा ना, एकदम पीक पे था। हम लोगों ने इतना मारा फिर भी आप डटे रहे। वाह वाह क्या बात है, ये पैक पिलो दर्द उतर जाएगा। औरों ने मारा गम नहीं, वो श्री सैलम के थप्पड़ का जवाब देना है बस। उसने मेरे ईगो का हट किया है, उस टेनेंट को बताना पड़ेगा कि घर का मालिक कौन है। डर लग रहा है सर। तुम क्यों डर रहे हो? मैं हूं ना कूल। कम ऑन टेक दिस 30 ml, जोश में आ जाओ। क्या कर रहे हैं सर? पहले पी तो लो। फ्रेंड्स नो, क्लोज फ्रेंड्स। देखकर हर कोई हो बेकार। वाह मुझे पूरा यकीन है मेरा घर मुझे मिल जाएगा। ये 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 पागल हो जाए ऐसी मेरी। ये 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 लगता है मेरी किस्मत की घंटी बज गई। हा
हेलो, आप अमेरिका की पार्टी हो ना? जी हाँ। आपका टोकन नंबर मिला है। टोकन नंबर? मुझे पास नहीं बुलाएंगे। ओके ओके, एड्रेस पता है क्या? जी हाँ पता है। कैसे आओगी, तुम्हें पहचानूंगा कैसे? मैं फ्रॉक पहन कर आऊंगी। फ्रॉक पहन के? हाँ, मेरा बचपन का फ्रॉक अब फिट हो रहा है, तो मैं आ जाऊँ? तुम्हें साड़ी में देखा था, इसलिए तुम पे लट्टू हो गया था। अब क्या फ्रॉक फ्रॉक कर रही हो? माफ कर दीजिए जी, मुझे लगा अमेरिका वालों को फ्रॉक पसंद है। अरे बाप रे, बातें तो खतरनाक करती हो, कब आ रही हो तुम? रुकिए, बस अभी आई। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अरे यार, अब तो जल्दी आ जाओ, कहाँ रह गई तू? बाप रे, अब आप जाओ। ये क्या पागलपन कर रहा है? अरे तेरी तो मैं अभी बताता हूँ तुझे, सारा नशा उतारता हूँ तेरा। ये कर रहा है तू? अरे बाप रे, काम के लिए तुझे भेजा है? जो काम देता हूँ वो तुझसे होता नहीं, और फालतू के कामों में तेरा बहुत मन लगता है ना। इस पूरे घर को तुझे दुश्मनों के हाथ से छुड़ाना है, और ये तू धोती पकड़ के नाच रहा है, वहाँ कौन जाएगा? माफ कर दे, जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तो माफ कर दे भाई। इतनी समझ में नहीं आती ना, और दिखा रहा तुझे, चल भाग जा रहा, मैं काम ठीक से कर। सर, श्री सलम के फोन का डेटा। तुम जाओ। हाँ बोलो। श्री सलम के फोन का डेटा मुझे मिल गया है सर, 25 तारीख को एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। तुम तो बिल्कुल औरतों की तरह बहुत तीखा है, ये मिर्ची बहुत तीखी है। अगली बार अगर तुमने औरतों की तरह बहाना किया तो ये सारी एक साथ खिला दूंगा तुम्हें। सर जाओ। सर सैल्यूट। सॉरी सर। हेलो सर। हाँ बोलो। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि श्री सलम का सीक्रेट ट्रांजैक्शन कहीं होने वाला है, लेकिन कहाँ होने वाला है और कैसे होने वाला है ये अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन मैं पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये लो पकड़ो और मुझे दुबई रवाना कर दो। पासपोर्ट प्लीज। तुम्हें पता नहीं मैं श्री सलम का आदमी हूँ। ओके सर। हेलो, इस वक्त तो कहाँ है? होटल में हूँ सर। ट्रैक द मोबाइल सिग्नल। वो इस वक्त अपने कमरे में है और मैं फिलहाल अभी लॉबी में हूँ सर। वो गाड़ी लेके कहीं निकल चुका है और तू वहाँ लॉबी में खड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं है बेवकूफ। सर जा जा जा। सर क्या देखा तूने? गाड़ी में जा रहा है सर। इसी वक्त उसका पीछा कर, जल्दी कर। जी सर। सामने एक पुलिस जीप दिख रही है। हाँ दिख रही है सर। रुक जा, फोन को स्पीकर में डाल। अभी डालता हूँ सर। यही बोल रहा हूँ, इसे जीप दे दे। निकल निकल, मुझे जाना है। फॉलो कर, श्री सलम की गाड़ी को फॉलो कर। नहीं सर, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। राइट में जा, राइट में जा। ओके सर। गाड़ी दिखाई दे तुझे? नहीं सर, नहीं दिखाई दे रही है। अपनी स्पीड और बढ़ा। दिखाई दिया कि नहीं तुझे? कैन यू सी द कार? नहीं सर, अभी भी नहीं दिखाई दी। वो मुझे दिखाई दे रहा, तुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? उस बस को ओवरटेक कर। ठीक है सर। अब दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया सर। उसे फॉलो कर, पुलिस का सारा ऑफ कर दे। ध्यान से फॉलो कर, फॉलो। ओके ओके। चलाता रहे, डिस्टेंस मेंटेन कर। ठीक है सर। ये जहां से गुजर रहे हैं वहां सीसीटीवी कैमरा है? उस एरिया में कहीं भी नहीं है सर। शो? हाँ। उसे हर हाल में ट्रेस करना है, कोशिश करो। मोबाइल सिग्नल ट्रैक करो। यस सर। वो आसानी से मिल जाएगा। ओके सर। सर गाड़ी को कुछ हो गया है सर। कुछ नहीं, सुनना चाहता तू उसको, फॉलो कर। सर अगर आप धमकियां देंगे ना तो हार्ट अटैक आके मैं मर जाऊंगा, ऐसा मत कीजिए सर। व्हाट्सएप ओपन कर। सर अब आया हार्ट अटैक, पारो को कुछ मत करना सर प्लीज। अब बता
तू जो कर रहा है वो मेरे लिए कर रहा है या खुद के लिए? मेरे खुद के लिए सर, आप जो कहोगे वो करूंगा। श्रीशैलम कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, उसका फोटो भेज मुझे। वो क्या बात कर रहा है वो रिकॉर्ड कर। मेरा काम अगर पूरा नहीं किया तो तुझे तेरी मैं जी सर। जल्दी जा। ओके सर। उसे किसी कीमत में मिस मत करना। नहीं करूंगा सर। गो गो फास्ट फास्ट स्पीड अप। ओके सर। मैक्सिमम स्पीड में चला चला रहा हूं सर। कम ऑन फास्ट। Hi guys, hi Shri Salem. क्या हो रहा है? श्री सैलम से कोई मिलने आया है। फोटो खींचो, जल्दी फोटो खींचो, फोटो खींचो। हाँ, give me key card. Yeah, you go. Yeah, these are the codes. Okay, note them down. Hmm. This is the VC code. Hmm. And it's a CC. Acha. Yeah. And the last one is the LC code. Okay. These codes are very crucial. Okay. जिस दिन डील होगी, टोनी तुमसे मिलने आएगा। Okay. हमारी कमिटमेंट मिस ना हो। बिल्कुल। बाय। बाय। श्री सैलम्स कार। पांच मिनट में डिटेल्स नहीं भेजी तो गर्लफ्रेंड को ऊपर पहुंचा। चक्री कोड्स नोट करो। बोलिए सर। 616 COMB 43216 ऑफसाइड एरो मार्क। ये कोड किसका है पता है? हाँ पता है। एक और कोड बोलिए सर। MR 257 8023। ओके। एक और कोड ले लो। हाँ। 1424 8961। बाल बच गए। कृष्णा, पारु, कृष्णा, बता क्या मिला है? श्री सैलम ये सीक्रेट कोड किसी को बता रहा था। तुझ पर यकीन करके इसे छोड़ दूं? छोड़ना होगा, मैं सच कह रहा हूँ। ये ओरिजिनल कोड है, यकीन नहीं है तो चेक कर लो। चिल्ला क्यों रहा है? इसे इतना तोड़ो कि बोलना भूल जाए। वेंकटेश्वर राव। हाँ सर। मैं एक नंबर बोल रहा हूँ, नोट करो। बोलिए सर। 216 CO MB
8143216 ऑफसाइड एरोमार्क। ओके सर। सर ये नेवी का कोड है सर, मैं चंद्रशेखर को कॉल ट्रांसफर करता हूँ, आप लाइन पे रहिए सर। रुक जाओ। चंद्रशेखर दो मिनट सर, अभी चेक करता हूँ। ओके सर, ये कोलंबिया का बना हुआ शिप है, दो हफ्ते पहले ये इंडोनेशिया के लिए निकल चुका है और इस वक्त आधे रास्ते में। और एक कोड चेक करो। यस सर। MR 257 सर, ये कंटेनर का नंबर है सर। और एक कोड है सर, 14248961 कंटेनर के अंदर एक लॉकर है सर, उसे खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए। मतलब कोलंबिया से शिप आ रहा है, उस शिप में कंटेनर है, उस कंटेनर में लॉकर है, लॉकर में राज है। सुपर। चंद्रशेखर सर, शिप कोलंबिया से इंडोनेशिया होकर आ रहा है तो कंटेनर इंडिया के लिए भेजा गया है। सर शिप गोवा की तरफ बढ़ रहा है और हिंदुस्तान की सीमा में आने से पहले कंटेनर को इंडियन शिप में शिफ्ट किया जा रहा है जो कि गोवा में ही आ रहा है। इसका मतलब ये डील गोवा में होने वाली है। चंद्रशेखर मुझे उस कंटेनर की डिटेल चाहिए, उसे किसने भेजा है और उसे कौन रिसीव करने वाला है, सब कुछ। सर एक खास इन्फॉर्मेशन क्लिक हो रहा है, एक मिनट का समय दीजिए, मैं भी देखता हूँ। ये बात किसी को नहीं पता कि उस कंटेनर में क्या है और ये कंटेनर किसने भेजा है, पर इतना पता है कि आने वाली 25 तारीख को ये डील होने वाली है। अब गोवा जाकर तू ये सारी जानकारी हमारे लिए इकट्ठा करके लाएगा। सुन, कृष्णा को गोवा भेज दिया? बस भेज रहा हूँ सर। ठीक है, हो सकता है पुलिस तक भी खबर पहुँच जाए, इसलिए तो हर तरह से चौकन्ना रहना। ठीक है सर। गोवा हार्बर में मैंने सब कुछ मैनेज कर दिया है। जी सर। चक्री और मेरे बाकी के लोग वहीं पर होंगे। ओके सर। लॉकर खोलते वक्त जरा सावधानी बरतना और मुझसे कब मिलेगा? आप कहाँ हैं सर? अरे ऑलरेडी गोवा आ चुका हूँ बेवकूफ। सुन कृष्णा, एक काम कर, तू अभी गोवा के लिए निकल जा, तेरे थंब इम्प्रेशन से ही वो लॉकर खुलेगा, मेरा मतलब हमारे बैंक का काम हो पाएगा। अरे हाँ, तू दुबई जाना चाहता है ना? काम होने के बाद चक्री तुझे फ्लाइट का टिकट दे देगा और फिर अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाके ऐश करना, लेकिन हाँ जाने से पहले ये आखिरी काम कर दे। याद है ना तुझे बचाने के लिए मैंने गोवा के धंधे को कुर्बान कर दिया, मुझे वो धंधा वापस चाहिए। सीनू को मार दे, ये रख काम आएगा। लेकिन भाई रख ले, इस बीच में सीनू ने जो नाटक किया है मैं उसे नहीं भुला सकता, एहसान चुकाने का समय आ गया है। हौसला बुलंद, शिकार निशाने पर, डरना मत सीनू, खत्म। मेरे गोवा को तू वापस दिलाएगा, चल जा बेटा। रूट बदला या प्लान बदला तो कोई रहम नहीं, वही करना जो हमेशा करते हैं। दुकान बंद, गन्स निकाल रहे विके, बुलेट से वेलकम करना है। यस सर, मैं गोवा के लिए निकल चुका हूँ। पहुंचते ही मुझे फोन करो। ओके सर। अगर किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे फोन करो। ओके
स्टेशन। आ गया सेना। ए अच्छू, इसके अंदर के लॉकर को खोलने के लिए भी हमें कृष्णा की जरूरत पड़ेगी। कब श्री साला, जिंदगी से खेलने वाले मौत का मजा तू भी चल। मतलब तुम दोनों एक साथ है? मैंने ही प्लान बनाया। ये सीनो मेरा ही जोड़ीदार है। पूरे हो गए। मार देगा तो कृष्णा आराम से फरार हो जाएगा। तुझे आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ, पहले जाकर उसे पकड़। मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। सुन सुनो भाई, तूने उन लोगों को बुलाया क्या? श्रीलंका से मंगाए भैया। अच्छी बात है, आने दे आने दे। उस कंटेनर को कवर कर, अंदर जाओ। जो कुछ भी चल रहा है हमारे फ्यूचर की खुशी के लिए चल रहा है। भाई, ये कोई समय रोमांस करने का? यहाँ दर से जान जा रही है, जल्दी करो। पैसा कहाँ है? काम की मनी, जल्दी। दुबई हवाला नोट, जैसे मोहम्मद शेर तक सेफली पहुँचाओ तभी तुम्हें 2,000 करोड़ मिलेंगे। ये मेहनत बढ़ा रहा है यार। सिर्फ रोमांस करने से करोड़ रुपए नहीं मिलते। रख रख, जल्दी रख। चल चल चल, जाने दे जाने दे। पकड़ो उसे, पैसे लेके भाग रहे हैं। कम ऑन, हमें चलो। आओ हमारे पीछे आओ। मान लेके जा रहे तेरी तो मार दे इसको। आजा आजा आजा, लेकिन मुझसे मेरा माल नहीं छीन पाएगा। आजा आजा आजा।
तूने अपना ये प्लान कब बनाया? तूने जब मुझे फंसाने की सोची तभी मैंने प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। वर्ल्ड बैंक लोन देगा मुझे, मैं गारंटर हूँ। अरे मैं कहीं का प्राइम मिनिस्टर हूँ क्या जो वर्ल्ड बैंक मुझे लोन देगी? मेरा बैकग्राउंड ही क्या है बे? झूठ बोलना नहीं आया तुझे? क्यों बे? वर्ल्ड बैंक तुझे लोन देगी? वो तेरी रिश्तेदार है क्या? तुझे पता भी नहीं चला और मैंने सब कुछ कैमरे में शूट कर लिया। मेरे नाम पे बैंक अकाउंट खुलवा कर तूने दो जगह हजार हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाए। मुझे तभी उस बात का भी पता चला कि गोवा में तुम्हारा इलीगल बिजनेस है। मैं भाग जाता तो तू मुझे कहीं से भी ढूंढ कर मार देता। मैं हिम्मत से डटा रहा, तुझे उखाड़ने के लिए प्लान बनाया और इसमें मेरा साथ दिया सीनू ने। तेरे लिए जो नॉनसेंस था वो मेरे लिए काम का बंदा बन गया। फर्स्ट स्टेप। तुझे कोई तकलीफ है? वो हमारे जरिए करोड़ों कमाते हैं और हमें चिंदी से सैलरी देते हैं। क्या चाहिए? 50 लाख दिलवाओगे? उससे भी दुगना दूंगा। बोल मेरे लिए काम करेगा? तो मजाक तो नहीं कर रहे हो भाई? हमारे गैंग से अपने आप को अलग कर लो। श्री सैलम के गोवा के बिजनेस को टेक ओवर करो। मुझे अच्छे से पता था तू हर कीमत पर मुझे जिंदा रखता और तू तो 3 करोड़ रुपए के लिए कन्विंस हो गया। फाइनल 3 करोड़। 3 करोड़ सुन के सीनू थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था, इसलिए मैंने सिचुएशन संभाला और 4 बोतल उसके सर में फोड़ दी। उसके बाद दूसरी चाल, दुबई जाना है ऐसा कहकर पारू ने दिमाग खराब कर दिया। वीजा आते ही मैं दुबई चली जाऊंगी। हमारी शादी के बाद तुम्हें परमानेंट वीजा मिल जाएगा। दुबई गया तो पैसा जाएगा, नहीं गया तो लव जाएगा, और मुझे दोनों चाहिए थे, इसलिए सीनू को छोड़कर मैंने अपना दूसरा स्टेप लिया। बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, गोवा चाहिए, और अगर वो नहीं माना ना तो उसे मैं ही मार डालूंगा। क्या करना होगा भाई? किडनैप कर। किसका? मेरा बे, मैंने खुद ही अपना किडनैप करवाया। संभाल के, लोडेड है, मैंने खुद गोली खाई। जैसी उम्मीद की थी वैसे गोवा मिल गया। तूने जब गोवा भेजा तब सारा प्लान वर्कआउट हो गया। गोवा में तू क्या करता था उसकी मुझे पूरी जानकारी चाहिए थी। वहाँ श्री सैलम का खास कौन है इसका पता लगा, और जैसे ही तुझे पता चल जाए तो 2-4 को लुड़का देना। सीनू को मैंने फोटो भिजवाकर इंक्वायरी करवाई। तू अपने ड्रग्स के बिजनेस का सारा ड्रग्स कोलंबिया से मंगाता है इस बात का मुझे पता चला। बराबर का हिस्सा देने का वादा करके पार्टी का इंतजाम भी करवाया। सीनू ने रिस्क उठाकर श्रीलंका से एक बड़ी पार्टी बुलवाई और सारा प्लान वर्कआउट हुआ इस डिसिल्वा की वजह से। मुझे टेंशन हुआ उसका कोई गम नहीं, क्योंकि तूने मेरी हेल्प भी बहुत की। तुझे लगा कि तू पारो की धमकी देके मेरा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तुझे पता भी नहीं चला कि मैं तेरा इस्तेमाल। एक और कोड नोट करो, 2578MR023। कोलंबिया से शिप आ रहा है, उस शिप में एक कंटेनर है, कंटेनर में लॉकर है, लॉकर में एक राज है। सुपर। मैंने तुझे मामूली इन्फॉर्मर समझा, तू तो शकुनी का भी बाप निकला। क्या करे, बहुत दूर तक जो जाना था। बहुत चालबाज है तू, बहुत शातिर आदमी है। दुष्टों के रास्ते पर चलकर उन्हें खत्म किया तो पुण्य, बेवजह किसी को मारा तो पाप, और टिट फॉर टैट करो तो इंसाफ। मैंने तुम लोगों को धोखा नहीं दिया, मैं बस अपना काम कर रहा था। इसके लिए मैं गाँव से आया था। पता था ना तुम्हें मैं करोड़पति बनने के लिए यहाँ आया था, तो दे देना चाहिए था। मैं इतना बड़ा षड्यंत्र तो नहीं रचता। अब जब तुम लोगों को मेरा प्लान पता चल ही गया तो तुम लोग ही बताओ, इस खेल के खिलाड़ी तुम लोग हो या मैं? इसमें तुझे क्या मिला? 200 करोड़ रुपए। 2000 करोड़ का माल था वो। किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। 200 करोड़ चाहिए था तो मुझसे मांग लेता, मैं दे देता तुझे। माल अब भी मेरे पास है। वो लोग खाली ट्रक यहाँ से लेके गए हैं, हम बेवकूफ नहीं है। वो यहाँ से सॉफ्ट ड्रिंक के सिर्फ डब्बे उठा कर लेके गए। वो माल क्या है? ड्रग्स है भाई, जिंदगी बर्बाद करने वाला जहर। तूने उस माल का किया क्या? कंटेनर में है। यही है भाई। सब सेट हो गया भाई। पारो माय गुड डे। We'll be right back.
ये नोट दुबई में दिखा दे, 150 करोड़ रुपया मिल जाएगा। बहुत मेहनत के बाद रिजल्ट मिला है यार। हाँ भाई, बहुत मेहनत किया। तुम इसे मेहनत कहते हो? मेहनत करने की डेफिनेशन बदल गई है डार्लिंग। मेहनत करके मालिक के सामने हाथ फैलाना मैंने नहीं सीखा है, छीनना सीखा है। भाई, गोवा ही अच्छा है, दुबई में जाके करेंगे क्या? मेहनत करेंगे। मैं भी साथ हूँ। तो चल।